ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन 2020 में आया था, बट ये टोटली बाउंसर था। मेरे को अच्छे से याद था कि ये क्वेश्चन शायद, पता नहीं, शायद 5C या 5D में आया था, और ये क्वेश्चन ना कंपलसरी भी था। पॉइंट ये है, तो पहली बात तो ये कि अगर ऐसे क्वेश्चंस बाउंसर आ जाएं तो यू नीड नॉट अटेम्प्ट इट इन द फर्स्ट राउंड। आप उसको पहले राउंड में आप उसको छोड़ दो, और पहले राउंड में छोड़ दो उसको, ठीक है। और जब वापस, जब आपने जो जो पहले आपको आता है ना, वो सारे आप कर लोगे, तो ऐसा होगा कि इन जनरल अराउंड 20 to 30 मार्क्स क्वेश्चन होंगे ऐसे जो आपको नहीं आएंगे, मतलब वो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस काइंड ऑफ होगा। अब उसमें आपको ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल ही छोड़ देना है। अगर वो बिल्कुल ही मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप है तो आप छोड़ना ही छोड़ना है, वो तो फिर समझ में आ रहा है मेरे को। लेकिन हल्का सा भी अगर रिलेटेबल पार्ट जो लगे ना, वो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन था कि इंक्रीजिंग आउट ऑफ प्लेन CH वैगिंग वाइब्रेशन मेरे को करना है। अब ये तो हमने पढ़ा है भाई, वैगिंग वाइब्रेशन वगैरह क्या है, लेकिन हमने डेटा वेटा कहीं नहीं देखा उसका। बस केवल हमने वो देखा था कि जहां पर ना स्ट्रेचिंग और बेंडिंग टाइप का होता है, और बेंडिंग में ना 3, 4, 5 टाइप का जो होता है, कि अपना ट्विस्टिंग है, वैगिंग है, वगैरह वगैरह सो है सो। लेकिन थोड़ा बहुत खुद का कॉमन सेंस लगाना है, और एट द एंड ऑफ द डे डू नॉट फॉरगेट दैट केमिस्ट्री इज द थिंग ऑफ कॉमन सेंस ओनली। ऐसा नहीं है कुछ बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ चीज हो रहा है। तो अब देखो, यहाँ पर मेरे को अच्छे से याद है कि मैंने यहाँ पर क्या किया ना, 10 मार्क्स का था ये वाला, तो मैंने रीजन ज्यादा नहीं लिखा, लेकिन मैंने क्या किया ना, केवल ऑर्डर लिख दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर ही लिखना है। यहाँ पर कहाँ गया, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स और सुटेबल एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन तो भाई अपन को आता नहीं है, क्योंकि अगर एक्सप्लेनेशन आता तो फिर तो पहले राउंड में मान लेता ना इसको, तो एक्सप्लेनेशन नहीं आता मेरे को। लेकिन आप केवल अगर ऑर्डर लिख दोगे ना कि भाई बी ए सी डी सी डी बी ए जो भी है ना, तो हो सके वो 10 में से 4 नंबर तो बिल्कुल दे देगा, लेकिन अगर आप पूरा छोड़ दोगे साफ क्लियर, तो फिर वो 0 नंबर दे देगा। तो यहाँ पर किस तरीके से मैंने सोचा था इसको, कि ये देखो कि आप मेरे को ना ये जो CH वाला जो वैगिंग है इसकी बात करनी है। अब वैगिंग का मतलब ही होता है कैसे, प्लेन के बाहर और प्लेन के अंदर, यही था इनका आउट ऑफ प्लेन। और इनफैक्ट इन्होंने लिख भी दिया यहाँ पर आउट ऑफ प्लेन और इन द प्लेन। तो आप ये देखो कि यहाँ पर ना दो, यहाँ पर एक मोटा मोटा यहाँ पर आदमी यहाँ बिठा रखा है इन्होंने। तो आपको लगता है कि ये जो बंदा H है, ये बीच में कभी रहने वाला है? ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ये बाहर अंदर, ये कभी आउट ऑफ प्लेन और इन प्लेन बहुत बार ये आना जाना चाहेगा। ये आपको हल्का सा फीलिंग्स, आप इस चीज को लेकर देखो कि भाई खूब दो मोटा सा ऐसा ना बंदा ऐसे बीच में बिठा रखा है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जो बीच का जो पतला बंदा है, या तो बाहर ही बैठेगा वह, तो या तो अंदर ही बैठेगा। तो मेरे को हल्का सा दिख रहा है हाँ भाई, कि इसका जो वैगिंग जो होगा ना, मतलब आगे पीछे ऐसे होने का ना, ये इसका टेंडेंसी थोड़ा ज्यादा होगा। कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ और नहीं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जब अपन एग्जाम में कर रहे हैं तो। फिर देखो, फिर अगली बात किसकी है, फिर हाँ अब आ रहा है हमारा ये कि भाई यहाँ पर आर आर है ना, यहाँ पर इन दोनों को इन्होंने पास में बिठा दिया है, और जो बाकी एच है ना, ये बिल्कुल यहाँ पर साइड साइड में यहाँ पर कर रखा है, ठीक है भाई। अब इनकी मतलब अच्छी खासी है, स्पेसिंग है, ऐसे देखो आप। अब लेकिन यहाँ पर इसकी बात देखते हैं कि भाई यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है, तो ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि भाई यहाँ पर ना इनके पास स्पेस थोड़ा ज्यादा था, ठीक है, ये मतलब ये वाला, यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा और कम कर दिया गया है, ठीक है, और इनफैक्ट यहाँ पर तो स्पेस बहुत ही ज्यादा कम कर दिया गया है, ठीक है। और जो ये वाला है, यहाँ पर तो कुछ भाई आर वगैरह यहाँ पर लगा ही नहीं हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर तो ये तो बिल्कुल एक्सट्रीम वाला, सबसे लास्ट वाला केस ही हो जाएगा, ये भी मेरे को क्लैरिटी मिल रहा है हल्का सा यहाँ पे। तो अब मेरे को इस वाले सेंस से केवल बताओ कि भाई सबसे ज्यादा आउट ऑफ प्लेन और इन द प्लेन कौन कर रहा होगा, मतलब कि ना सबसे आराम से यही बैठा हुआ होगा, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आ रही होगी अपनी वाइब्रेशंस में। तो भाई मेरे डी को क्या, डी 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 में बैगिंग पास होगा। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा ना कि डी भाई अपना सबसे एक्सट्रीम एंड पर अपना आ जाने वाला है, और सबसे एक्सट्रीम एंड पर दूसरा एक्सट्रीम एंड पर कौन आने वाला है,
अपना ए आ जाने वाला है, तो फिर मैं इसको ए ऐसे लगा दूंगा। और फिर अगर बी और सी में कंपेयर करना है तो भाई ए के बाद में ना सबसे ज्यादा कौन सा खुला हुआ है, तो अपना भाई बी खुला हुआ है और फिर अपना ये सी वाला है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फिर अपना इस टाइप में मैं ऑर्डर केवल लिख दूंगा, और मेरे को नहीं आता एक्सप्लेनेशन तो मैं ज्यादा हीरो बनने की कोशिश नहीं करूंगा भाई कि ऐसे सर वैसे हो रहा होगा, बस इतना लिख देंगे केवल आप और आपको आंसर मिल जाएगा, आपको नंबर मिल जाएगा 10 में से 4, ठीक है। आपको वैसे तो ए एंड सी सेम नहीं है, सी में दोनों देखो पॉइंट ये नहीं है, ए एंड सी दोनों सेम है, बट ये बात ना ये शो कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, यहाँ पर जो ए क्वेश्चन है ना यहाँ पर ये पूछ रहा है इस वाले एज की बात कर रहा है, इसकी पूछ रहा है ये, जबकि इस वाले क्वेश्चन में ना ये सारे एज की बात कर रहा है ये, ठीक है। इन्होंने पूछा निर्मल कुमार, क्लियर है ना ये, तो ये वाला हो गया। अब आपको एग्जैक्ट ऑर्डर आप एक काम करो रट्टा मार लो, क्योंकि इन केस अगर अगली बार आ गया ना तो आप एग्जैक्ट ऑर्डर ये लिख दोगे, तो आप एग्जैक्ट ऑर्डर के लिए ना ये एक काम करते हैं, ये वाला इसको मैं डाल देता हूँ कॉपी पेस्ट करके, आ गया। एक काम करना इनफैक्ट ना इसको आप अपने नोट्स का पार्ट बना लेना, एक सेकेंड, हाँ ये देखो कहाँ चला गया, अच्छा ठीक है वो नीचे आ गया। तो देखो ये वाला चीज, ठीक है यही इसका पूरा आंसर है। तो आप एक काम करना क्लास के एंड पर ना ये डेटा वेटा जो सारा है बस डेटा इसका नोट कर लेना, और यही इसके थोड़े बहुत एक्सप्लेनेशन है। तो पॉइंट ये नहीं है कि आप मेरे को सारे जितने ऑब्सक्योर पार्ट है सिलेबस के वो मेरे सारे करने हैं, लेकिन हाँ जो प्रीवियस ईयर में आ गए हैं उसको एक बार कर लेंगे, और ऑलवेज कीप योर ब्रेन ओपन फॉर सम कॉमन सेंस क्वेश्चंस, ठीक है ना, सबको क्लियर, ठीक है। ये डेटा देखो आप, ये मैं शो कर रहा हूँ ना, अभी दिखाया ना मैंने ये वाला फोटो, ये देखो सामने दिख रहा है ना, ये तो यार ये अच्छे से यहाँ पर पेस्ट नहीं हुआ, एक सेकंड रुको, इसको यहाँ पर ऐसे से, पेस्ट हो जाएगा अच्छे से, हाँ ये देखो आप, तो यही मैंने सोचा था। और देखो ये देखो जो सबसे यहाँ पर कोई आर वार नहीं है तो सबसे कम 671 सेंटीमीटर इनवर्स पर आ गया, ठीक है ना, और यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर कह लो कि क्राउडेड है, तो यहाँ पर ना ये बिल्कुल बीच में ये दुबका पड़ा है, तो दुबका पड़ा है तो भाई बीच में दुबकना क्यों, जब उसके पास फ्रीडम है बाहर निकलने का तो ऑब्वियसली वो बीच में दुबका नहीं रहेगा, इसी कारण ये सबसे ज्यादा सेंटीमीटर इनवर्स पर सबसे ज्यादा वाइब्रेशन इसकी होने वाली है, ठीक है ना, सबको समझ में आ गया। और आप ये ना छोटी सी इसकी एक्सप्लेनेशन है आप वो देख लेना उसका, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, तो ये अगला क्वेश्चन में क्या है ना, ये क्वेश्चन तो इजी है वैसे, ऐसा क्वेश्चन मैंने करा रखा है पहली क्लास में कि हाउ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी माइट बी यूज्ड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इस केस में क्या हुआ है कि ये देखो ये काइंड ऑफ ना ये सबसे अच्छा, ये बात बताओ मेरे को कि ये बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड में मैं कंपेयर करूंगा तो ज्यादा स्टेबल डबल बॉन्ड कौन सा होगा, ऑब्वियसली प्रोडक्ट वाला, ये वाला जो है प्रोडक्ट वाला, इसको कहते हैं सेटजेब प्रोडक्ट, और ये वाला होता है ना ये है अपना हॉफमैन। तो बेसिकली रिएक्शन मैकेनिज्म वो कैसे रहा होगा ना कि ये अपना कुछ ऐसे है कि डबल बॉन्ड है, इसको मैंने डाला एसिड डाला एच प्लस, तो ये यहाँ से ऐसे हो गया और ये यहाँ पर बन जाएगा प्लस, और उसके बाद फिर अपना हो जाएगा इवन, और ये ऐसे करके ये बन जाएगा अपना। तो बेसिकली कैसा होगा पॉइंट, अब देखो और एक चीज तो ये हो गया कि भाई ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना मेरा ज्यादा स्टेबल है डेफिनेटली, लेकिन अगर मैं पोलैरिटी की बात करूं तो कौन सा डबल बॉन्ड ज्यादा पोलर है,
ये वाला डबल बॉन्ड ज्यादा पोलर है ना, क्योंकि ये बिल्कुल देखो साइड में है, जबकि ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना ये लेस पोलर है। इनफैक्ट जो पोलैरिटी है ना म्यू, ये ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो है, बिकॉज ये देखो कितना सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो रिएक्टेंट वाले में क्या होगा ना, रिएक्टेंट वाले में आप अगर इसका वाला आई आर बनाओगे तो क्या होगा कि भाई एक सिग्नल ना मेरे को मिलने वाला है कितने ग्राउंड में, डबल बॉन्ड का सिग्नल कितने ग्राउंड में मिलता है अपना, 1640 के राउंड में मेरे को मिलता है, ठीक है। और क्योंकि ये पोलर है, इसको एक काम करना सारा लिखते हुए चलना जहल काल पर, ठीक है। तो क्योंकि ये पोलर है देयरफॉर मोर इंटेंस देन प्रोडक्ट, ठीक है, ये अपना रिएक्टेंट का हो गया। लेकिन प्रोडक्ट वाले केस में क्या होगा, अच्छा हाँ एक चीज और भी कि ये अपना है ना, यहाँ पर साथ में CH बॉन्ड भी तो है ना कार्बन से लगा हुआ, और ऐसा कार्बन जो कि अपना कौन सा है, डबल बॉन्डेड है। तो आपके पास अराउंड 3000 की आप लाइन बनाओगे, और 3000 के जस्ट राइट हैंड साइड में आपके पास ना एक और पीक मिलने वाला है, और ये वाला पीक कितने का होगा, अराउंड 3100 का होगा। और इसको आप लिख दोगे ब्रैकेट में ही 3100 ड्यू टू एल्किनिक या फिर ओलेफिनिक कर दो, ड्यू टू ओलेफिनिक CH स्ट्रेच। यार म्यूट कर लो, किन्हीं का माइक ऑन है। हाँ तो ड्यू टू ओलेफिनिक CH स्ट्रेच, और ये वाला है इसके नीचे में क्या लिख दोगे, ड्यू टू C डबल बॉन्ड C स्ट्रेच। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में मेरे को C डबल बॉन्ड C के कारण आयर कुछ मिलने वाला है भी क्या, आयर मेरे को मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर जो ये वाला सिग्नल होगा ना, यहां पर बिल्कुल गायब रहेगा, वैनिस्ड। और साथ ही साथ जो यहां पर CH था, अब यहां पर कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो अपना जो डबल बॉन्ड वाला जो CH है ना, ये भी यहां पर गायब हो जाएगा। तो यहां पर ये वाले सिग्नल मेरे को नहीं मिलने वाली, और केवल हमें ना जो एल्केन वाला CH है केवल ये मिलेगा। और एल्केन वाला CH तो हमारा भाई हमारे पास यहां भी था, तो बस हम सिंपल इसका बना देंगे ऐसे करके, ये ऐसे करके, और ये बना देंगे, लिख देंगे इसको 2900 पर। और इसका 2900 आप यहां पे बना सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जिसका 2900 है ना, यहां पर भी आप शो कर सकते हो। और फाइनली ड्यू टू एल्केन CH, और फाइनली इसी के नीचे आप लिख दोगे कहानी, क्या लिख दोगे कि एज रिएक्शन प्रोग्रेसेस टुवर्ड्स प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा, पीक एट 3050 एंड 1640 वैनिश, ठीक है, क्लियर ना सबको। चलिए अगले क्वेश्चन पे। लास्ट में कंक्लूजन में क्या लिखा है, पीक एट 3000, पीक एट 3000, ये वाला गायब हो जाएगा ना, जस्ट अपना कहाँ गया, यहाँ पर ये है ना अपना CH, यहाँ पर लगा हुआ डबल बॉन्ड से कार्बन से, बट यहाँ पर तो कोई डबल बॉन्ड से, यहाँ पर तो भाई कुछ हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसी कारण जो अपना ये जो पीक एट 3050 है ड्यू टू ये अपना ओलेफिनिक CH स्ट्रेच, और ड्यू टू जो C डबल बॉन्ड C है ये दोनों वैनिश कर जाएगा, बिकॉज जो प्रोडक्ट में भी C डबल बॉन्ड C है बट वो नॉन पोलर है, ठीक है ना, उसका म्यू डेल्टा म्यू उसका जीरो होने वाला है, इसी कारण वो उसका आयर इनएक्टिव होने वाला है वो C डबल बॉन्ड C, ठीक है ना। नॉन पोलर क्यों है, यहाँ पे CH3 लगा होगा तो
अनसिमेट्रिक हो सकता है इसमें, तो जो प्रोडक्ट है वहां पे डबल बॉन्ड है वो सिमेट्रिक थोड़ी है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है, ये सिमेट्रिक आपको नहीं दिख रहा है ये? बिल्कुल देखो, बिल्कुल सिमेट्रिक है ये, तो क्या दिक्कत है इसमें? ओ यस यस सर, मैंने एक्स्ट्रा कार्बन डाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन तो कर रखा है हमने ना, ये क्वेश्चन क्लास में कर लिया था, ये कराने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, इसको छोड़ देते हैं आप लोग। अगर किसी ने नहीं कर रखा है, वैसे क्लास में हो रखा है, और नहीं करा तो आप खुद से कर लेना इस चीज को। देखो ये वाला क्वेश्चन ना, ये काइंड ऑफ आउट ऑफ सिलेबस वाला क्वेश्चन है, बट स्टिल अगर अब एक बार आ गया है ना तो हमें करना पड़ेगा। तो इसका ना, इसका डेटा आप इसका रट्टा ही मार लो कि भाई पहले, लेकिन थोड़ा सा, हाँ थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं डेफिनेटली। कि पहली बात तो कि एक सेकेंड, C5H10 है। अब मैंने पहले ही बताया कि भाई स्पेक्ट्रोस्कोपी का कुछ भी क्वेश्चन आए, मेरा सबसे पहला काम है DU फाइंड करना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पर कितना है, 1 आ जाने वाला है, ठीक है। अब मेरे को यह भी मालूम है कि भाई वो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ना या तो डबल बॉन्ड के कारण आएगा या फिर साइक्लिक होने के कारण आने वाला है, लेकिन डबल बॉन्ड से नहीं आएगा। बिकॉज डबल बॉन्ड के कारण क्या होता है कि भाई 1640 या 50 पर मेरे को एक पीक मिलना चाहिए था, बट क्वेश्चन में साफ साफ क्लियर है कि भाई 1650 वगैरह पर कोई पीक वीक नहीं है, पीक है तो 1380 पर है ना। तो 1380 पर पीक है मेरे को, इसका मतलब कि डबल बॉन्ड भी नहीं है, इसका मतलब कि साइक्लिक होना ही केवल आखिरी आंसर है। तो अब देखो साइक्लिक होना इतना आंसर है, अब यहाँ पर क्या है ना, पॉइंट ये है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही जो है, सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि अगर आप केवल यहां तक आप आ जाते हो ना कि भाई आप इतना लिख करके कि DU इतना है, डबल बॉन्ड हो सकता है, साइक्लिक हो सकता है, डबल बॉन्ड होगा नहीं बिकॉज यहाँ पर 1650 है नहीं, सो इट मस्ट बी साइक्लिक कंपाउंड। इसके बाद आप गलत भी बनाते हो प्रोडक्ट ना, फिर भी आपको 5 में 2.5 नंबर तो देगा ही देगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जो एग्जैक्ट प्रोडक्ट है ना, वो मेरे को लगता नहीं किसी को आता होगा यहाँ पर, एग्जाम में भी नहीं आता होगा। तो इसका जो एग्जैक्ट जो आंसर है ये है, एक सेकेंड, मिथाइलिनिक डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, इसका आंसर मैंने शाम को ढूंढा था यार कहाँ से, तो आंसर मेरे को नहीं मालूम था पहले से, एक सेकेंड। हाँ जेमिनल डाई मिथाइल, और जेमिनल डाई मिथाइल का कैसे हो जाएगा तो स्ट्रक्चर, एक सेकंड, हाँ यही है, ठीक है, हाँ ये अपना है कि जेमिनल डाइमिथाइल ना, ये इसी को कहते हैं, मीनिंग मालूम है ना जेमिनल और विसिनल का। आप एक काम करना, ब्रैकेट में या फिर इधर साइड में ना अगर ऐसे स्क्वायर बना के लिख लेना इसको ऐसे करके, जेमिनल का मतलब होता है ना ऑन सेम कार्बन एटम, ऑन सेम कार्बन एटम, और दूसरा टर्म होता है विसिनल, और इसका मीनिंग हुआ ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम। जैसे अगर मेरे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है ना, ये सी OH ऐसे करके, तो यहाँ पर दोनों जस्ट बगल वाले कार्बन वाले पर है और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन सॉरी OH लगा हुआ है, तो इसे कहेंगे विसिनल डाइहाइड्रोक्सिल। तो ये टर्म आप इसको याद रखना अगर जिसको नहीं आता होगा उसको। अब ये ना, ये जो 1380 है जो यहाँ पर एग्जाम में जो ये नंबर दिया हुआ है,
that is due to CH bending vibration of geminal dimethyl. बस आप नोट्स में इतना लिखे रखो, आ गया इन केस रिपीट हो करके तो ठीक है, नहीं तो फिर भी ठीक है। सर ये आउट ऑफ सिलेबस वाला जानबूझ के देते हैं उनको, कई बार पेपर बनाने वालों को पूरा इंस्ट्रक्शन नहीं रहता। अरे यार ये तो अब उनसे पूछना पड़ेगा, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस उनका रहता है, शायद उनका कुछ मैंडेट होगा कि यार कुछ सिलेबस ना आउट ऑफ सिलेबस पे डालो, मतलब कुछ होगा उनका, ये तो बताना मुश्किल है काफी उनका। सर इज दिस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जेमिनल डाइमिथाइल ग्रुप? हाँ, एवरी टाइम जेमिनल डाइमिथाइल ग्रुप वुड बी कमिंग दिस 1380 CH बेंडिंग वाइब्रेशन वुड बी कमिंग। मैं आप लोग को, हाँ no sir, because this like chemical formula can also give cyclopentane, no, but cyclopentane mein sare IR inactive nahi honge. Okay sir, because that is almost like non polar compound, no, but sir cyclopentane is not planar, no, so it's in envelope form, so You can say it shows a CH band, but maybe it is not in 1380 centimeter inverse, somewhere else, like in 1400 or I don't know. But I mean, I'm asking this 1380, if this band is given, so is this the characteristics? And I mean, I have to remember it. Have to remember this data. That is it. Okay, you have to remember this data in case it comes again, then you just put it again, but most likely the question would not be repeating, because most likely na, the out of syllabus question when it comes, so it is totally new for everyone. So just remember it for the time being, because it is the previous year question, otherwise there is not much utility. So this question is done, no? Ye wala ho gaya data. और मेरे को एक और ये मिला है, क्या कहते हैं, पूरा डेटा शीट मिला है सारे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के, और वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है, तो इन केस अगर आपको रेफरेंस के लिए अभी चाहिए होगा तो वो आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में। और इनफैक्ट उस वाले डेटा शीट में ही ना ये जो जेमिनल डाइमिथाइल है उसका डेटा दिया हुआ था, ड्यू टू CH बेंडिंग वाइब्रेशन ये ऐसे है, ये अपना डेटा आ रहा है। तो लेकिन ठीक है, आप हर चीज के लिए थोड़े ना इतना यार मतलब दौड़ लगाते चलेंगे। सर व्हाई वी आर कॉलिंग, हां हेलो सर, व्हाई वी आर कॉलिंग इट आउट ऑफ सिलेबस? बिकॉज़ इट इज आउट ऑफ सिलेबस। देखो सिलेबस में अब मतलब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना तो है हमें, बट इसका yes, मतलब sir. ये नहीं ना कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सारे ही पढ़ने हैं हमें, कि बिल्कुल जितने सारे बेंडिंग वैगिंग ट्विस्टिंग सबके सब में रट्टा मारने पड़ेंगे, ये तो बिल्कुल बहुत ही मुश्किल काम है। नो सर, एक्चुअली बेंडिंग जब हम पढ़ते हैं ना, तो जो स्टार्टिंग में ही बेंडिंग में हम पढ़ते हैं तो उसमें ही इसका जिक्र आता है 1380 वाले का, मतलब इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, पता नहीं यार जो मतलब यस सर, अगर आप कोई भी बुक पढ़ोगे पाविया वगैरह तो बेंडिंग में स्टार्टिंग में ही ये आता है। नहीं तो वही है कि आप ना मतलब अब गिवन टॉपिक के लिए सिलेबस जो है, आप सिलेबस, अब देखो आप सिलेबस मतलब डिफाइन कैसे करते हो, अब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके कलसी में भी है, ठीक है पाविया में भी है, लेकिन आप डिफाइन कैसे करोगे कि भाई मेरा ये जो पार्ट है ना सिलेबस का, सॉरी मतलब ये जो पार्ट है इस बुक का, ये मोस्ट लाइकली आएगा। अब जैसे पहले मैंने बताया है कि आईआर मेरे को पढ़ना है तो पूरी की पूरी बुक थोड़े ना पढ़नी है, तो उसके लिए मैं जाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज बेटर गाइड फॉर नोइंग कि भाई व्हाट इज दैट एग्जैक्ट सिलेबस, और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के गाइड के बेसिस पे बोल रहा हूं कि भाई दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट आउट ऑफ सिलेबस बिकॉज ऐसा ट्रेंड नहीं आता है, ये मेरा कहने का मतलब है। ओके ओके सर, यस सर, तो ऑलवेज मतलब व्हेनेवर आई एम सेइंग यू नो कि दिस थिंग इज आउट ऑफ सिलेबस या दिस थिंग इज मतलब कि इन द सिलेबस, तो इट इज फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कितने बार गिवन टॉपिक का सवाल रिपीट हुआ है,
अगर ज्यादा बार रिपीट हुआ इट मीन्स कि भाई वो जो टॉपिक है वो फेवरेट है यूपीएससी का, और मोस्ट लाइकली अगर हम प्रैक्टिस करेंगे या फिर अगर हम रट्टा लगाएंगे डेटा का तो हम वहां का डेटा रट्टा लगाएंगे, है ना। आप मेरे को एक बात बताओ कि आपने मान लो कि आपको आपके पास ना लिमिटेड टाइम है जो डेटा है उसका याद करने के लिए, अब आप उस लिमिटेड टाइम में अब आप डेटा याद रखोगे OH वाले का याद रखोगे NH वाले का CH वाले का, या फिर आप ये याद रखोगे भाई कि CH का बेंडिंग इतने पर होता है, वैगिंग इतने पर होता है, ट्विस्टिंग इतने पर होता है, ये याद रखोगे मेरे को बताओ। यस सर। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला चीज आउट ऑफ सिलेबस है या फिर ये वाला चीज इन सिलेबस, बाकी है तो सारी सिलेबस, अगर वो पूछ रहा है अगर यूपीएससी पूछ रहा है तो मतलब इन सिलेबस ही है, इनका कहने का मतलब ये हुआ। जैसे वो वाला एक 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 मीम देखा होगा ना कि वो जॉली एलएलबी में वो जो जज है ना वो चड्डा सा वो कह रहे होते हैं नहीं नहीं देखिए देखिए ये तो बिल्कुल आप गलत बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं आप, तो जज कहते हैं ना देखो भाई आप जज को ना बताओ कि क्या गलत कर रहा हूँ क्या सही कर रहा हूँ, तो भाई जज अपनी यूपीएससी है वो, आप जज को बताओ क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं, वो कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं लेकिन अपना काम है भाई पढ़ाई करना अपने प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से। हाँ जी सर। तो ये हो गया अपना ये वाला क्वेश्चन, फिर अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो सर ये जो वैगिंग वाला आपने बताया ये सोर्स क्या है इसका? ये सोर्स मैं बता दूंगा, ये एक्चुअली ना एक अपना ट्रिक्स भाई है ना ग्रुप पे, उन्होंने डाला था इसका जो एग्जैक्ट आंसर है, तो मैं उनसे पूछ लूंगा एक बार इसका सोर्स क्या है, उन्होंने बताया था। ओके सर। ओके सर, ये जगमोहन की बुक है उसमें मिलेगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय जगमोहन, उसी में है सिर्फ, बाकी पाविया वगैरह में नहीं है। अच्छा उसमें है ये? सिर्फ उसी में है, बाकी पाविया वाईआर शर्मा में नहीं है ये चीज। हाँ वही है यार। okay, मतलब कि इतनी सारी चीजें मतलब कितने बुक्स कवर करोगे आप, कुछ लिमिटेड पढ़ सकते हो ना, इस बार जगमोहन से पूछा है कल वो कुछ राधा मोहन से पूछ दे तो किसी को नहीं मालूम कहां से पूछने वाला वो। तो चलो ये हो गया, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब ये क्वेश्चन है, अब अपना आ गया क्वेश्चन आईएफएस वाला आ गया, तो इसके क्वेश्चंस अगेन मैंने पहले ही बता रखा है थोड़े से रिलेटिवली टफ रहेंगे और वो आपको दिख जाएगा अभी साफ पे कैसे टफ रहते हैं। जो ये वाला पार्ट तो हमने कर लिया था यूपीएस स्पेक्ट्रोस्कोपी में कि कैसे कैसे इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये सर ये भाई अपना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, ये वाला अपना हेट्रोडाइन अपना होमोनोडाइन वगैरह वगैरह, लेकिन ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से बोल रहा है भाई अपने को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर ना सी डबल बॉन्ड ओ का पीक मिलने वाला है और यहाँ पर अपना ये हाइड्रोजन का भी होगा। हाँ ठीक है, और ये अपना ना सी डबल बॉन्ड सी का पीक मिलने वाला है, लेकिन इन जनरल सी डबल बॉन्ड ओ का पीक मिलना चाहिए था कितने पे, 17, 15 पे मिलना चाहिए था ना, जब मेरे पास केवल सिंपल साइक्लोहेक्सानोन होता तो ऐसे होता तो, लेकिन अब मेरे को यहाँ पर लगा दिया इन्होंने डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन, और एक मेरे को बात बताओ कि डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन होने के कारण कितने का ड्रॉप होता है सी डबल बॉन्ड ओ के न्यू में, याद है सबको? 30 का ड्रॉप था ना, 30-40 का लगभग। हाँ तो ये 17-15 है, तो बस आप लिख दोगे कि भाई यहाँ पर ना जो न्यू सी डबल बॉन्ड ओ है वो शो कर रहा है 1685 का शो करेगा यहाँ पे, और ये जो अपना सी डबल बॉन्ड सी है ये ड्रॉप होने वाला है ना, और यहाँ पर ये ड्रॉप होकर कितना चला जाएगा भाई, वो पहले से ही 1650 के राउंड में घूम रहा होता था, और थोड़ा सा और ड्रॉप हो जाएगा तो कितने पर चला जाएगा वो, 1630 पर वो चला जाएगा, ठीक है। और 1630 का पीक ये जो है ये अच्छा खासा इंटेंस भी होगा, इंटेंस क्यों होगा, बिकॉज ये अच्छा खासा पोलर भी है ना, ये देखो बढ़िया कॉन्जुगेशन में जा रहा है यहाँ पर ये, ठीक है, क्लियर एवरीवन। अब चलते हैं ये अपने बी पर, तो बी पर क्या होगा कि बी पर यहाँ पर ये अपना जो OCS3 है ना इसकी भी कॉन्जुगेशन इधर में होने वाली है, ठीक है, लेकिन इसकी कॉन्जुगेशन ना इस पर नहीं जाने वाली है, केवल वो इस पर ही जाने वाला है वो, ठीक है, ये इनकी कॉन्जुगेशन होगी वो अलग बात है, इसका मतलब कि मेरे को
टू सिग्नल्स ऑफ C डबल बॉन्ड C यहां पर आने वाला है, ठीक है। ये तो हो गया पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या है कि यहां पर ये एग्जैक्टली है कैसे, ये CH3 ये O है ना, और बाकी ये अपना ये पूरा का पूरा ग्रुप है। तो इसकी यहां पर क्या है ना कि ये अगर ये सिंपल अगर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर यहां पर होता तो मैंने पहले भी बताया था कि CO का याद है ना डेटा कितने का करवाया था मैंने, अराउंड 1100 में आता है ना अल्कोहल वाले का, अल्कोहल का एक पहचान ये भी था ना कि भाई CO का जो डेटा आएगा वो 1100 में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1100 से बढ़कर के मतलब इसके लिए, बाकी इसके लिए तो भाई 1100 ही रहेगा, तो आप ये भी लिख सकते हो कि भाई 1100 ना यहाँ पर CO शो करने वाला है, जबकि यहाँ पर जो CO है ना ये C डबल बॉन्ड O वाला शो कर रहा है 685 का। तो ये भी एक दूसरा कह लो आइडेंटिफाई करने के लिए हो गया, भाई देखो ये कैसे कैसे अलग अलग सिग्नल्स है। अब चलते हैं अगला, तो अगले में क्या है, यहाँ पर क्या है अपना कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, सो बढ़िया यहाँ पर ये शो करेगा कितने पर, 17 पे शो करने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई कॉन्जुगेशन वगैरह नहीं है यहाँ, ठीक है। और यहाँ पर जो न्यू C डबल बॉन्ड C है ये शो करेगा कितने पर, 1650 पे शो करेगा, बट ये ना वीक रहेगा बिकॉज लेस पोलर है यहाँ पर C डबल बॉन्ड C, जबकि इस केस में थोड़ा सा इंटेंस था बिकॉज यहाँ पर ये अपना बढ़िया ट्रांजिशन वगैरह कॉन्जुगेशन वगैरह कर रहा था। अब चलते हैं इनकी, तो इस केस में क्या है ना यहाँ पर बिल्कुल एक स्टैंडर्ड कॉन्जुगेशन हो रहा है, ये देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और ये बिल्कुल यहाँ से यहाँ। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो यहाँ पर सी डबल बॉन्ड्स, एक सेकेंड, इसको डिफरेंशिएट टू सिग्नल्स ऑफ सी डबल बॉन्ड सी, ये अलग अलग आएंगे, यहाँ पर केवल एक सिग्नल आएगा क्या सी डबल बॉन्ड सी का, इसको थोड़ा सा रहने देते हैं, ठीक है। इसको मैं फिर अगले में डिफाइन करूंगा कि यहाँ पर ये मेरे को यहाँ समझ में नहीं आ रहा कि जो C डबल बॉन्ड C है ना दोनों का एक सिग्नल आने वाला या फिर दोनों का अलग अलग सिग्नल आएगा, आना चाहिए तो अलग अलग ही बिकॉज ये दोनों का इन्वायरमेंट अलग अलग है, बट कॉन्जुगेशन में भी जा रहा है, ठीक है इसको रहने देते हैं अभी, ठीक है इसको मैं एडजस्ट कर दूंगा। बाकी सबको ये तो क्लियर हो गया ना कि ए बी और डी में कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जो और बाकी इस क्वेश्चन में ना स्ट्रक्चर ज्यादा कुछ मैटर करेगा नहीं बिकॉज देखो ये कितना नंबर का है, केवल 5 नंबर का क्वेश्चन है ये वाला, तो कोई ज्यादा थ्योरी तो लिखनी नहीं होगी, सीधा हम इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वगैरह बता के खत्म कर देंगे। बिल्कुल, जहां पर आप बस जहां पर ये है ना बस फटाफट ऐसे लिखोगे आप कि आप ऐसे लिखोगे ए लिखोगे और ये पूरी कहानी लिख दी, फिर ऐसे बी लिखा फिर ऐसे पूरी कहानी लिख दी, मतलब कि वर्ड्स नहीं लिखने केवल आपको, आपको केवल ये नंबर्स लिखने हैं क्योंकि केवल 5 नंबर का है ये, ठीक है ना। यस सर। तो अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन देखो काफी डिफिकल्ट लगा था मेरे को, और इनफैक्ट जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा था पहली बार में तो ये क्वेश्चन भाई समझ में नहीं आया था ये तो। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है कि 3 बॉटल्स है यहाँ पर, 3 बॉटल्स है C5H11Br है, have their labels fallen off, having only IR machines at your disposal, you first treat a sample of the contents in each bottle with NaOH in aqueous ethanol and then you determine the IR spectrum of each product or product mixtures, here are the results। तो ये अपन को देखना है पहला, तो सबसे पहला अगर मैं देखता हूं तो इसमें क्या बोल रहा है ना कि अपना जो प्रोडक्ट है उसकी बात कर रहे हैं, ये आप देख लो कि भाई प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं आगे में, तो ये कह रहा है ना कि आईआर बैंड है 1660 पर, ये पहली बात। दूसरी चीज है कि भाई ये 80 2850
3020 में ये शो कर रहा है, तो ये हो गई सेकेंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट ये है कि भाई 3350 वाला ये अपना पॉइंट है। तो अब मेरे को एक बात बताओ कि ये वाला जो अपना आया है पीक, इसके किस कारण आया होगा? C डबल बॉन्ड सी के कारण आया होगा, ठीक है। तो और ये जो अपना ब्रॉड सा पीक है, ये किस कारण आया होगा? ये sp3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, sp3 ch, मतलब कि एल्केन वाला। और जो ये वाला है ये किस कारण आया होगा? OH के कारण क्यों आएगा? OH वाला तो फिर OH वाला रहेगा तो वो 3600 चला जाएगा ना वो तो। ओके सर, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट। फिर सेकंड पॉइंट ये है कि ये आयर बैंड एट 1670, अब ये सेकंड वाले का बता रहा है, ये बॉटल बी वाले का। अगेन ये फिर से अपना डबल बॉन्ड सी के कारण ही आने वाला है। और ये तो भाई फिर से अपना वही आएगा कि भाई sp3 कार्बन हाइड्रोजन आएगा। थर्ड वाला क्या है कि 2850 है 3020, मतलब कि भाई इस केस में ना तो केवल एल्केन ही पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इस केस में मेरे को बनाना है अगर डबल बॉन्ड, तो फिर मैं कैसे बनाऊंगा इसको कि यहां पर ना कहां गया ठीक है। तो देखो अब ये फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस है ना, कि फर्स्ट सेकंड में डिफरेंस ये है कि भाई फर्स्ट में आप ऐसा प्रोडक्ट बनाओगे जिसमें कि डबल बॉन्ड से हाइड्रोजन लगा हुआ है, बट सेकंड में आप ऐसा बनाओगे जिसमें डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन तक वो नहीं होने मिलने वाला हमारे पास। तो अगर मैं पहला में अगर ये बनाता हूं कि ये अपना कार्बन हो गया 3, 1, 4 और फिर अपन लगा देते हैं ऐसे 5, ठीक है। 5 लगाया अपन ने और यहाँ पे लगा दिया अगर हमने Br लगा दिया है, ठीक है। अब ये Br लगा दिया है तो होगा क्या कि अगर यहाँ पर अगर ये इस साइड से होता है, अगर ये एलिमिनेशन करता है तो ये अपना बनेगा ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। और ये यहाँ पर ये हाइड्रोजन है इस कारण ये अपना बन जाएगा। बट अगर ये इस साइड से करता है, यार मैं भी थोड़ा सा आउट ऑफ टच हो गया हूँ, ये सारे सॉल्यूशन मैंने बनाए थे लेकिन सर फर्स्ट वन प्रोडक्ट विल बी नॉट देयर, आई थिंक इट विल बी सेट जे प्रोडक्ट। एक सेकंड सारी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं एक बार। नहीं अरे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भाई, ये तो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला रिएक्टेंट है अपना, इससे बना रहे हैं प्रोडक्ट बना रहे हैं ना ये। तो ये यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी रुकना पड़ेगा फिर। तो ये मैंने सॉल्यूशन बनाया था कहीं लेकिन ये मैंने लास्ट ईयर बनाया था तो भूल गया हूँ मैं एक उस क्वेश्चन को। अगर किसी ने सॉल्व करा तो बता दो अभी बाकी लोगों को। एक काम करते हैं इसको रहने देते हैं, मैं अपना सॉल्यूशन देखूंगा और फोटो भेज दूंगा सबको इसका। एक काम, चलो ठीक है अब चलते हैं ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सबको आता है ना, ये तो बिल्कुल थ्योरी वाला क्वेश्चन है, इसको कुछ करना ही नहीं अपन को। तो ये वाला अपना हो गया है। फिर अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में भी आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा सा थर्ड वाला थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बट सिर्फ वो देखते हैं इसको। सबसे पहले ना फर्स्ट सेकंड और फोर्थ को अपना ऑर्डर में डाल देते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन होगा, ये तो क्लियर है, सबसे ज्यादा कौन सा होगा? फर्स्ट, बिकॉज यहां पर कोई कॉन्जुगेशन वगैरह यहां पर कुछ नहीं है।
अब यहाँ पर फोर्थ में है ना केवल एक डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन हो रहा है, जबकि यहाँ पर हमने लगा रखा है फिनाइल रिंग लगा रखा है, तो यहाँ पर तो बहुत अच्छा खासा कॉन्जुगेशन होने वाला है। इसी कारण फर्स्ट हो जाएगा फोर्थ से ज्यादा, और फोर्थ ज्यादा होगा अपना थर्ड से ज्यादा हो जाए, सॉरी सेकेंड से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले केस में क्या है ना कि इसका एक डांसिंग रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आता है, कि इस केस में क्या होगा कि ये अपना जो है अगर ये ऐसे हो जाता है ना, तो अगर मैं इसका दूसरा बनाता हूं मेसोमेरिक स्ट्रक्चर, तो ये अपना हो गया ऐसे करके ओ माइनस, और ये हो गया प्लस। तो ये जो कार्बोकटायन है ना, ये वाला कार्बोकटायन साइक्लोप्रोपेनाइल वाला, ये एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। ये इसका एग्जैक्ट रीजन आप कार्बोकटायन जब पढ़ोगे तब आप इसको आप समझ जाओगे, बट ये एक्स्ट्रा स्टेबल कार्बोकटायन, और इनफैक्ट ये दुनिया का मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन होगा, बेंजीन वगैरह कुछ भी हो जाए सब उससे ऊपर ये स्टेबल है। इसका मतलब जब ये बहुत ज्यादा स्टेबल है तो हमेशा ये सिंगल बॉन्ड करेक्टर में रहने वाला है ना, जब ये सिंगल बॉन्ड करेक्टर में रहने वाला है तो सबसे कम तो थर्ड का ही हो जाएगा ना। फिर किसी को डाउट इसमें? हाँ, जो आपने फोर्थ वाला का सेकंड से गेटर वाला है, तो सर डबल बॉन्ड हैज हायर कैपेबिलिटी टू डू कंजुगेशन विद सीओ देन एराइल ग्रुप, नो? Because aryl group, when it's going to conjugation with a double bond, the aromaticity is losing. So the conjugation capability of the single double bond is much more higher. It should be higher. लेकिन आप एक बार रिकॉल करो जो ऑर्डर लिखवाया था मैंने प्लस एम वाला, प्लस एम का ऑर्डर याद है आपको जो जियो सिम करवाया था, तो उसमें AR आगे नहीं था डबल बॉन्ड वाले से। ठीक है, ये भी एक बिल्कुल एलिजिबल रीजन है कि भाई इस कारण आपके स्टेबिलिटी वगैरह लूज हो सकती है, बट मतलब ये तो जीओसी का एक तो एक मतलब एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है कि भाई ये जिसका जो प्लस एम है ना, दैट इज हायर देन द डबल बॉन्ड, तो यू कैन डू नथिंग अबाउट इट। ठीक है ना, सर लास्ट वन इज दैट एग्जांपल ऑफ नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन? नहीं नहीं नहीं, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन इज डिफरेंट थिंग, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो आपको बाद में आएगा। वो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन तो कार्बेनियम वगैरह हो जाता है, जो CH5 प्लस वगैरह आप देखते हो ना, दैट इज नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, तो वो बाद की चीज है। बट इतना फिलहाल में जाने रखो कि ये जो होता है ना, इसको एक्सप्लेन भी ऐसे करते हैं, डांसिंग रेजोनेंस यहाँ पर हो रहा है इसी कारण दैट इज एक्स्ट्रा स्टेबल। वो आप देख लोगे, आप अलग से जब पढ़ोगे ना आप मेन जो अपना कार्बोकैटायन रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स वगैरह ना, तो वहां पर वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया ऑलरेडी। यस, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, तो इसको छोड़ते हैं, रहने देते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू यूजिंग द IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये तो काफी आसान है, मतलब ये देखो यहाँ पर NH का ना, NH का स्ट्रेचिंग यहाँ पर मिलने वाला है अराउंड कितने पे, 3300 पर, और यहाँ पर ये एब्सेंट रहने वाला है। आप इसको बेसिकली एग्जाम में लिखो कैसे, आप क्या करना ना, इसका स्ट्रक्चरिंग आप ऐसे करोगे एग्जाम में, या मतलब ये अपना कॉपी है, अरे यार ये कट क्यों जा रहा है, ये अपना ऐसे कॉपी है, तो यहां पर आप ऐसे लिखोगे NH स्ट्रेचिंग, ठीक है, कंपाउंड फर्स्ट कंपाउंड सेकंड, यहां पर लिखोगे आप एब्सेंट, और यहां पर लिखोगे 3300 सेंटीमीटर इनवर्स, ये होगी पहली बात। दूसरी चीज क्या लिखोगे कि C डबल बॉन्ड N स्ट्रेचिंग, और फर्स्ट में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट होगा, और कितने अराउंड में होगा ना, अराउंड वैल्यू भी लिख देना आप, वैल्यू क्या लिख दोगे, वही तो होगा ना, अराउंड 16, 80, 1700 के अराउंड में होने वाला है, और क्या होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एब्सेंट। सिमिलरली फिर यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी स्ट्रेचिंग, यहाँ पर प्रेजेंट एब्सेंट जो भी है सो। ठीक है, आप इस तरीके से इसको कर दोगे। फिर एक चीज और भी लिख सकते हो क्या, यहाँ पर जो सेकेंड वाले में है ना, यहाँ पर ये अच्छा खासा कॉन्जुगेशन वगैरह होगा,
और लेकिन बट कॉन्वेक्शन तो यहाँ पर भी होगा, तो ये कोई ज्यादा फर्क नहीं डालेगा। तो और तो इतना सारा अलग अलग सारे पीक को दिखाते जाओगे और बोलोगे देखो भाई ये सारे कारण, मतलब बेसिकली टेबल फॉर्म में दिखा देना है उसको, तो इजिली क्लियर है उसको कि हाँ भाई इसको साफ साफ दिख रहा है सारे स्ट्रेचिंग डेटा वगैरह। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने देख रखा है क्लास में ऑलरेडी। ये वाला क्वेश्चन देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये अगर कोई अगर कर सकता है तो बताना। ये क्वेश्चन मतलब जैसे हमने C2S2 के लिए किया था एग्जैक्टली इसको यहाँ पर भी हम भी वैसे ही कर सकते हैं कि फॉर्मूले से भाई निकालेंगे कितना स्ट्रेचिंग है कितना बेंडिंग है और फिर हम सारा वैसे करते जाएंगे। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 है और 3n मतलब टोटल यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होने वाला है, ये अपना 9 हो गया। अब ये कैसा मॉलिक्यूल है? नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर है मतलब कि यहाँ पर फॉर्मूला कितना हो जाएगा अपना, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 3n - 6, 9 - 6 इज इक्वल टू 3, ये हो गया अपना। अब इसमें सबको वो याद है ना स्ट्रेचिंग का कितना क्या फॉर्मूला होता है, स्ट्रेचिंग का फॉर्मूला याद है ना, n - 1। यार अगर फॉर्मूला देखो यार रिवाइज नहीं होगा फिर तो क्वेश्चंस भी नहीं बनेंगे ना। तो ये 3 - 1 कितना हो गया, ये हो गया अपना 2, और स्ट्रेचिंग देखो 2 ही होने वाला है, कैसे होगा 2, ये अपना है OH है, ये कुछ ऐसा है अपना, अगर दोनों एक साइड में जा रहा हो ऐसे करके तो ये कौन सा अपना वाइब्रेशन हुआ, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। अगर ये दोनों जस्ट उल्टा साइड में जा रहा हो, ये ऐसे इसका स्ट्रेचिंग हो रहा हो बट इसका इस तरीके से कंप्रेशन हो रहा हो, तो ये हो जाएगा अपना एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। अब स्ट्रेचिंग एक हो गया तो बेंडिंग क्या हो जाएगा, बेंडिंग फिर सॉरी स्ट्रेचिंग 2 हो गया तो बेंडिंग कितना हो जाएगा, फिर 1, बेंडिंग 1 हो जाएगा बिकॉज वही तो है अपना 3 - 2 = 1, और बेंडिंग दिखा दो, बेंडिंग यही तो होगा ना, ऐसे ऐसे या दोनों पास में आएगा या दोनों दूर में जाएगा, यही होगा भाई और क्या होगा इसका। ठीक है खत्म, किसी को डाउट इसमें? चलो किसी को डाउट नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन भी शायद हो रखा है ना, मेरे को हल्का जो ध्यान है, ये वाला क्वेश्चन अपना हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, कंपाउंड ए कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन शोज द 1H NMR एट 100। यार ये क्वेश्चन तो NMR का है, इसको रहने देते हैं अभी, ये NMR में ही करेंगे अपन। हाँ इसको NMR में करेंगे अपन, इसको रहने देते हैं। ये क्वेश्चन तो यूवी का लग रहा है तो इसको भी हमने कर ही लिया होगा। क्या हो गया इसको, तो ये क्वेश्चन यूवी का, ये वहां हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच विल शो एन ऑक्सीजन हाइड्रोजन स्ट्रेच एट अ ग्रेटर वेव नंबर, ये भी हो रखा है, करवा रखा है इसको ना, ये भी क्वेश्चन हो गया है। फिर अगला क्वेश्चन है अनोन कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O हैज द एब्जॉर्प्शन बैंड एट 1070। ठीक है भाई, in IR spectrum, in its 1H NMR spectrum, two multiples are observed with 1:1 ratio. ठीक है,
इसको, और हमने कल तो क्लास में कर ही लिया था कि भाई सिग्नल्स वगैरह हमने देख लिया था। तो यहाँ पर ये बोल रहा ना कि टू मल्टीपल्स का मतलब यहाँ पर ये है कि सिग्नल्स है, बेसिकली टू सिग्नल्स है, और 1:1 रेशियो का है, मतलब दोनों बिल्कुल कह लो ना दोनों में इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी है, तो इसी कारण ये बोल रहा है 1:1 का। अब यहाँ पर अगर मैं इसका डी यू निकालूंगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो ये कितना आएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू 1। अब मेरे को ये मालूम कि भाई ये 1 ना या तो डबल बॉन्ड के कारण आने वाला है, मतलब सी डबल बॉन्ड ओ, या फिर सी डबल बॉन्ड सी होगा, या फिर वो साइकिल के कारण आने वाला है। अब यहाँ पर कोई भी अगर डबल बॉन्ड कारण होता तो भाई 1600 करोड़ में कुछ वैल्यूज होता, लेकिन यहाँ पर 1600 में कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब कि ये पक्का साइकिल ही इसमें है ये। अब साइकिल है और 1070 का डेटा भी मेरे को शो कर रहा है कि भाई ये अपना ना सीओ वाला ही डेटा है, क्योंकि अल्कोहल डेटा मेरे को याद है कि सीओ का स्ट्रेचिंग है जो 1070 पर होता है, ठीक है। तो एक मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये इसका ना यही आंसर इसका होगा। क्यों होगा इसका यही आंसर, बिकॉज आप ये देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी अपना हाइड्रोजन है। अब ये दोनों, ये इतना हाइड्रोजन है ना, ये सबका सब ए है, और जो ये नीचे वाला हाइड्रोजन है ये सबका सब अपना बी है, ठीक है। इसी कारण यहाँ पर टू सिग्नल्स आ रहे हैं, और रेशियो का मतलब यही होता है कि भाई जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एक सिग्नल्स में है उतने ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन दूसरे सिग्नल्स में है। क्लियर सबको ये आंसर क्यों हो गया? तो ये हो गया अपना, ये क्वेश्चन हमने कर रखा है ऑलरेडी, जहां पर हमने देखा था कि क्या कहते हैं उसको, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला। अच्छा ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ये क्वेश्चन हमने शायद नहीं किया था, बट ये क्वेश्चन भी आईआर से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, CH3CH2COH और अपना एसीटोन क्या हो जाएगा? अरे ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना कि अपने एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे डिफरेंशिएट करना है आपको। तो भाई एल्डिहाइड में ना ये वाला जो CH है 2720 पर ये बॉन्ड मिलने वाला है, वाइब्रेशन मिलने वाला है, और यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, सिंपल, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन हमने देख रखा है कि भाई इसका कौन सा ज्यादा होगा, इसका वाले का ज्यादा होता है। शो ऑल द फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन CO2 मॉलिक्यूल, ये नोट्स में है ना CO2 वाला, तो ये भी हमें आता है कौन सा होगा, कल ही हमने करा है। सबसे ज्यादा हो जाएगा अपना बी, फिर हो जाएगा ए, फिर हो जाएगा अपना सी, और बाकी एक्सप्लेन कर ही लेंगे। इसका आंसर सबको याद है, ये डबल बॉन्ड कौन साइड में लगा हुआ है उसके हिसाब से। इसका आंसर बता दो कोई, बताओ कोई भाई, सबसे ज्यादा होने वाला है फर्स्ट, फिर सेकंड होगा, यहाँ पर जो इसका है ना ये दोनों साइड जा रहा है, तो और जबकि ये यहाँ से भी कम कर रहा है बॉन्ड ऑर्डर, और ये यहाँ से भी कम कर रहा है, तो इसके बाद फिर थर्ड होगा ना, सेकंड सबसे कम होने वाला है ना। ये अगला क्या है, हाउ कैन सिस एंड ट्रांस 1,3 साइक्लोहेक्सेन डाइओल बी डिस्टिंग्विश्ड यूजिंग 1,3,1 यूजिंग आईआर स्पेक्ट्रा। तो ठीक है, अच्छा ये बेसिकली ना क्वेश्चन किस चीज का है, इंट्रामोलिकुलर वर्सेस इंटरमोलिकुलर, कैसे भाई,
ये देखो आप, एक का आप बनाओ इसका चेयर फॉर्म, तो चेयर फॉर्म में ना ये हमने डाल दिया वन पे और ये हो गया, इसका लगा दिया एच इधर में, और यहाँ पर जब हमारा सिस है ना तो ये वन पर है, ये अपना ओ हो गया, ये अपना एच हो गया, तो ये देखो यहाँ पर क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि अगर मैं इसको लगाता हूँ ट्रांस पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो हमने OH लगा दिया बट ये यहाँ पर OH ऐसे है, तो यहाँ पर नो इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। तो बस बाकी पूरी कहानी सब लोग आप लोग जानते हो पुरानी, ठीक है ना, किसी को डाउट इसमें? ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी देख रखा है हमने कि भाई कैसे डिक्रीज हो रहा है, तो सबसे ज्यादा होगा ए का, फिर होगा अपना बी का, और फिर होगा सी का, बिकॉज प्लस एम से एक्सप्लेन कर दोगे आप। बी विल बी हायर हैं, बी विल बी हायर देन ए। अरे हाँ यार, अरे यार भूल जा रहा हूँ, हाँ ठीक ठीक सही है, बी हायर होगा सी से। चाहो तो डेटा भी लिख देना आप, अगर डेटा किसी को याद है तो 1715 1735 और 1685, ठीक है। ये यही वाला क्वेश्चन था जब मैंने बताया था कि डेटा अगर आपको याद है हल्का वल्का तो आप लिख दो, तो आपको प्लस वन प्लस 0.5 एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, ये हो गया। फिर आप क्या है कि ब्रीफली एक्सप्लेन वाइज, अच्छा सारे क्वेश्चन से करने हैं क्लास में क्या, या फिर एनएमआर पढ़ना है? कितना क्वेश्चन है अभी, तो पेज नंबर 6 ही में है, तो अगर आप ये कर सको ना कि अगले क्लास में आप लोग पूरी क्वेश्चंस करके रहो, फिर डिस्कस कर सकते हैं, या फिर अगर क्वेश्चंस करना है तो फिर ये भी कर सकते हैं। चलो थोड़े बहुत, लेट्स डू एनीवेयर, ठीक। अच्छा हाँ, तो यही करते हैं यार, क्योंकि क्वेश्चंस भी आप लोग बहुत लोगों ने नहीं करा ना, तो क्वेश्चंस आप लोग कर कराना, तभी थोड़ा सा और समझ में आएगा, और क्योंकि क्वेश्चन अभी और भी अच्छा खासा है, बाकी आगे क्वेश्चन काफी तो आता भी होगा वैसे। ठीक है, तो आप लोग एक बार कर कराना, उसके बाद फिर इसको वापस कल कर लेंगे, कल शायद 40 मिनट इसमें और लगा लेंगे, तो अपना फिर आईयर के सारे क्वेश्चंस अपना सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलो वापस एनएमआर में, और थोड़ा मैं भी सॉल्व कर लूंगा एक बारी, क्योंकि शायद कुछ कुछ मैं भूल गया हूँ, मतलब जैसे वो वाला क्वेश्चन था ना लास्ट ईयर, उसको मैंने सॉल्व करा था, बट इस साल मैं भूल गया इसको, क्या इसका आंसर था एग्जैक्ट। चलो इसको बंद करो सर, ये आईआर में जितने आइसोमेरिक कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने को पूछता है, तो उसमें आप सारे आइसोमर्स को पहले ड्रॉ करके फिर निगेट करते हैं, या फिर रैंडम ट्राई एंड एरर से लेकर के जाते हैं तो फिर फाइनल आंसर तक पहुंच जाते हैं? आप दो तीन शो कर दो, वैसे दो तीन ही रहेगा, मतलब जो आपको फाइंड आउट करने होंगे ना कि ये पॉसिबिलिटी, जैसे वो वाला क्वेश्चन था कि 1380 वाला कि C5H10 है, तो आप उसमें ना एक बार पॉसिबिलिटी दिखा दो कि भाई या तो साइक्लोपेंटेन हो सकता है, या फिर वो चार मेंबर का रिंग और एक एल्काइल बाहर, या फिर तीन मेंबर का रिंग और दो एल्काइल बाहर, ठीक है, और उसके बाद फिर बोल दो कि नहीं भाई देखो ये दोनों नहीं है तो इस कारण ये वाला आंसर हो गया है। okay. लेकिन अगेन मतलब वो डिपेंड करता है ना कि आपके पास टाइम कितना है वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अगर आप बिल्कुल अंतिम में, क्योंकि ये जनरली क्वेश्चन स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले लास्ट में होते हैं, तो वहां पर आपके पास टाइम नहीं है, तो ऑब्वियसली आप सीधा आंसर लिखोगे और फिर आप आगे बढ़ जाओगे। तो अब चलते हैं अपन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पर, चले जाते हैं। हाँ चलो ठीक है, अब यहाँ पर ना कल तो हमने ये देख लिया था, अच्छा एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या किया था हमने कल से। हाँ,
ईआर देखो हमने कल यही देखा कि भाई एनएमआर टाइप का एक नया स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो पढ़ना है हमें। अब सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि भाई ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्यों है, तो ये भी हमने देखा था कि भाई जो अपना न्यूक्लियाई है किसी भी एटम का, उसका दो टाइप का स्पिन होता है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, उसी को हमने नाम दे दिया अल्फा एंड बीटा। तो जब कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तब तो भाई दोनों डिजेनरेट है, दोनों इक्वल है, दोनों रैंडम अपना घूम रहे हैं, लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड आ गया है तो एक स्पिन रहेगा दैट विल बी अलाइनिंग विद द फील्ड, तो उसकी एनर्जी हो जाएगी लोअर, और जो भाई अगेंस्ट द फील्ड होगा उसका एनर्जी हो जाएगा हायर, ठीक है। तो अब इसी कारण एक एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हो गया हमारा उस मैग्नेटिक उस वाले कंपाउंड में या फिर गिवन सैंपल में। तो अब जो एनर्जी कुछ चाहिए होगा हमें ट्रांजिशन करवाने के लिए भाई कि अल्फा से लेकर बीटा तक, पर अल्फा से लेकर बीटा होने में एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि जो स्पिन है न्यूक्लियाई का उसकी फ्लिपिंग हो रही है, कि अगर यहाँ पर एक अल्फा था ऊपर वाला बीटा था तो अगर नीचे वाला ट्रांजिशन होकर ऊपर चला जाएगा तो बेसिकली होगा क्या कि दोनों का दोनों अपना बीटा का बीटा हो जाएगा, ठीक है। और जो ये एनर्जी एसोसिएटेड है यहाँ पर, इसी कारण ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का ओरिजिन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अब मैंने पहले बताया था कि भाई दूसरे स्पेक्ट्रोस्कोपी सबका अपना अपना स्टाइल है, कि भाई यूवी वाले कहते हैं कि लैम्डा नैनोमीटर से हम शो करेंगे नंबर्स को लाइट को, और जो आईआर वाला है उन्होंने सेंटीमीटर इनवर्स से चूज करा, यहाँ पर इन्होंने चूज करेंगे फ्रीक्वेंसी से हर्ट्ज को। लेकिन थोड़ा सा और भी आगे हम जाएंगे ना तो उसको और भी सिंप्लीफाई कर देंगे ये लोग, कि जो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज है उसको डेल्टा बेसिकली पीपीएम में चले जाएंगे, जिसको हम केमिकल शिफ्ट बोल देंगे आगे जा करके। तो ये हो गया अपना एक पॉइंट। फिर अगले पॉइंट ये थे कि अब सारे जो मैग्नेटिक सारे जो न्यूक्लियाई हैं वो सारे के सारे मैग्नेटिकली एक्टिव नहीं होते हैं। सिमिलरली सेम कि जैसे कि सारे मॉलिक्यूल्स आईआर एक्टिव नहीं होते हैं, कुछ आईआर एक्टिव होते हैं कुछ आईआर इनएक्टिव होते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है ना कि भाई कौन सा न्यूक्लियाई मैग्नेटिकली एक्टिव है, उसके लिए सिंपल यही है कि जिसका मास नंबर वो डिवाइड करो 4 से, अगर वो डिविजिबल है मतलब उसका मैग्नेटिकली एक्टिव नहीं है, मतलब नॉन मैग्नेटिक है, फॉर एग्जाम्पल 12 कार्बन 16 ऑक्सीजन वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसे आइसोटोप्स जिनके मास नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4, फॉर एग्जांपल 13 कार्बन 1 हाइड्रोजन, तो वो वाला न्यूक्लियाई है जो मैग्नेटिकली एक्टिव रहने वाला है, एंड दोज न्यूक्लियाई विल बी शोइंग एनएमआर न्यूक्लियाई मैग्नेटिक रेजोनेंस, इसी कारण इसका एनएमआर ये नाम है। फिर अगली बात ये हो गई थी कि भाई कि कितने सिग्नल्स आते हैं हमारे गिवन कंपाउंड में, तो गिवन कंपाउंड में कितने सिग्नल्स आते हैं वो डिपेंड करता है कि कितने टाइप के हमारे हाइड्रोजन हैं, क्योंकि अगर सारे के सारे हाइड्रोजन अगर सेम टाइप के होंगे तो जो एनर्जी जो गैप होगा दोनों के बीच में, दोनों के बीच में इक्वल गैप होगा, दोनों के बीच में अगर गैप इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है पूरी की पूरी पीक एक ही आनी है, मतलब सिग्नल एक ही आनी है। अगर एक सिग्नल आएगा तो इसका हमारा इन्फेरेंस ये होगा कि भाई दैट गिवन कंपाउंड इज हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ हाइड्रोजन। वन टाइप ऑफ हाइड्रोजन मीन्स वन टाइप ऑफ मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट हाइड्रोजन या फिर केमिकली इक्विवेलेंट हाइड्रोजन भी आप बोल सकते हो। इसी को कॉन्सेप्ट में आगे जाकर हम बोल देंगे केमिकल इक्विवेलेंस, कि व्हेन टू हाइड्रोजन्स आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह वगैरह, तो उसको हम बोल देंगे कि बोथ हाइड्रोजन आर केमिकली इक्विवेलेंट। तो ये हो गया अपना। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन देखा था कि भाई केमिकल इक्विवेलेंट कैसे हमें फाइंड आउट करने हैं, लेकिन अब पॉइंट ये आता है कि कुछ कुछ कंपाउंड ऐसा होता है ना जहां पर मैग्नेटिकली सॉरी केमिकली इक्वल है कि नहीं, ये थोड़ा फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल होता है, और उसके लिए फिर हम एक अलग से एक टेस्ट निकालते हैं जिसको कहते हैं रिप्लेसमेंट टेस्ट हम कहते हैं। एक बार आप इसको समझ जाओ फिर उसके बाद इसको फटाफट लिख लेना। अब जैसे ये क्वेश्चन कि इस वाले क्वेश्चन में ना कि जैसे ये वाला अपना है, तो भाई हमें दिख रहा है क्या कि भाई एक हाइड्रोजन मेरे पास, अरे क्या हो गया इसको, हाँ एक हाइड्रोजन भाई मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, सेकंड यहाँ पे दिख रहा है और थर्ड यहाँ पे दिख रहा है। तो ऐसे देखने से लग रहा है ना कि यहाँ पर सिग्नल्स आने चाहिए 3, बट एग्जैक्टली 3 सिग्नल्स आते नहीं है, 4 आ जाते हैं। यहाँ पर क्या लग रहा है कि भाई एक हाइड्रोजन ना बस यहाँ पर एक पास में है, और ये जो हाइड्रोजन है बाकी जो ये दोनों दूर दूर है, तो एक हाइड्रोजन एक ये हो जाएगा और ये दोनों तो इक्वल है, तो यहाँ पर 2 सिग्नल्स आना चाहिए था, बट यहाँ पर भी 2 सिग्नल्स नहीं आकर के 3 सिग्नल आ जाएगा।
यहाँ पे क्या लग रहा है कि भाई एक हाइड्रोजन ये होता, सेकंड हाइड्रोजन ये होता, थर्ड ये होता, फोर्थ ये होता, फोर सिग्नल्स आने चाहिए थे बट फोर नहीं आकर के हमारे फाइव सिग्नल्स आ गए हैं। तो ये एग्जैक्टली जब ऐसा वाला क्वेश्चन आ जाए तो कैसे हमें मालूम करना होता है, तो उसके लिए हम करते हैं रिप्लेसमेंट टेस्ट। ये रिप्लेसमेंट टेस्ट एग्जैक्टली है क्या, तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अगर आप फॉर एग्जांपल CH4 की आप मॉलिक्यूल लो, अब CH4 का मॉलिक्यूल लो और मान लो कि हाइपोथेटिकली है तो नहीं ये सारे अलग अलग, बट हाइपोथेटिकली आप इसको ना बोल दो HA, इसको बोल दो HB, इसको बोल दो HC, इसको बोल दो HD। अब इन सबको एक एक करके सबका हाइड्रोजन से हटा करके ना, एक हाइड्रोजन को हटा करके कोई दूसरा एक सिंपल जेड एटम लगा दो लेट से। तो अगर मैंने सपोज दैट ना HA को हटा करके लगा दिया है तो बेसिकली क्या बन जाएगा, ये हो गया H, ये वाला हो गया H, ये वाला हो गया जेड। अगर हमने सेकंड वाले को हटा कर लगा दिया तो क्या हो जाएगा, ये अपना जेड हो गया, ये अपना H हो गया, ये अपना H हो गया। सिमिलरली हम ये सेम काम ऐसे हम कर सकते हैं आगे वाले के लिए भी, केवल हमें एक ही हटाना जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम टेस्ट कर रहे हैं भाई कि ये वाला ना बाकी इक्वल है कि नहीं, तो यहाँ पर हम लगा दिया जेड और सिमिलरली हमने यहाँ पर सेम काम कर दिया। अब यहाँ पर हमने देखा ना कि भाई जो चारों के चारों कंपाउंड्स है ना ये सब के सब तो सेम ही है, तो अगर ये चारों के चारों कंपाउंड्स अगर सेम है इसका मतलब है कि जो चारों हाइड्रोजन है ना वो भी इक्वल ही थे। अब जब चारों के चारों इक्वल्स हैं मतलब कि यहाँ पर पीक कितनी आनी है, केवल एक पीक आने वाली है, और ऐसे हाइड्रोजन जो कि बिल्कुल इक्वल होते हैं उनको हम बोलते हैं होमोटॉपिक हाइड्रोजन भी कह देते हैं। होमोटॉपिक प्रोटॉन ज्यादा अच्छा वर्ड होता है, होमोटॉपिक प्रोटॉन, और होमोटॉपिक प्रोटॉन गिव ओनली वन सिग्नल बिकॉज ये सबके सब अपने सेम है। सिमिलरली आप प्रोपेन का भी एग्जांपल ले सकते हो, प्रोपेन वाले में एग्जांपल में क्या हो जाएगा भाई, CH3 CH2 और ये अपना CH3। अब अगर मैं यहाँ पे लगा दू जेड या फिर यहाँ पे लगा दू जेड, वो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारा सेम मिलने वाला है, इसी कारण ये दोनों का दोनों हमारा ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं अगर जेड लगा दूंगा ना वो, तो वो डिफरेंट आइसोमर मिल जाएगा, इसी कारण मैं इसको बोल दूंगा बी। तो जब अलग अलग प्रोटॉन से अलग अलग आइसोमर्स मिल रहे हैं, एंड आइसोमर्स कैन बी ऑफ एनी टाइप, आइसोमर्स कैन बी स्ट्रक्चरल आइसोमर एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर, तो इसी कारण इसी को हम बोल देते हैं रिप्लेसमेंट टेस्ट। और इससे हम लोग मालूम कर लेते हैं कि वेदर दोज हाइड्रोजन आर डिफरेंट और सेम, और वेदर दोज हाइड्रोजन विल गिव सेम सिग्नल और डिफरेंट सिग्नल। ठीक है, तो आप यही हेडिंग डालो कि केमिकल इक्विवेलेंस बाय रिप्लेसमेंट टेस्ट। ठीक है, और आप इसको नोट कर लो पहले कि हाउ मेनी NMR सिग्नल ये देगा, और ऐसा करके आप काट करके भी लिख देना ये 3 को कट करके 4, कि भाई 3 लग रहा है बट 4 होगा, 2 लग रहा है बट 3 होगा, और इसके बाद फिर आप ये लाइन लिखना कि रिप्लेसमेंट टेस्ट का डेफिनेशन बेसिकली यही है कि इफ द रिप्लेसमेंट रिजल्ट्स इन ओनली वन प्रोडक्ट द प्रोटॉन्स आर इक्विवेलेंट, केवल एक प्रोडक्ट मिला है इस केस में, अगर आइसोमर्स मिल गए हैं फिर तो अलग अलग हो जाएंगे, इफ हाउएवर द रिप्लेसमेंट गिव्स आइसोमर्स देन प्रोटॉन्स आर नॉट इक्विवेलेंट। तो आप इसको और इसके बाद फिर आप इसको नोट करके फिर ये दोनों एग्जांपल को आप नोट करना, होमोटॉपिक वाला भी आप डेफिनेशन आप लिख ही लेना, मतलब लगे हाथ इसके जस्ट नीचे ही एक बार आप यहां तक लिखो फिर मैं बताता हूं।
सबका हो गया यहाँ तक? यस सर। तो यहां पर बस एक डेफिनेशन लिख लो कि होमोटॉपिक प्रोटॉन मीन्स केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन। होमोटॉपिक प्रोटॉन मीन्स केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन एंड इट गिव्स ओनली वन सिग्नल and it gives only one signal. ये हो गया अपना होमोटॉपिक प्रोटॉन का डेफिनेशन। अब चलते हैं आगे। अब जो हमने ये वाला क्वेश्चन था इसको देखो कैसे बताएंगे हम कि भाई यहां पर ना फोर सिग्नल्स कैसे मिल रहे हैं। फोर सिग्नल्स इस कारण मिल रहे हैं कि यहां पर देखो क्या है कि अगर मैं पिछले वाले क्वेश्चन को ही लूं तो इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा ऐसे CH3H C डबल बॉन्ड, ये अपना हो जाएगा H। तो यहां पर हमें ना ये तो क्लियर है भाई कि ये वाला ना A है ये अलग है, बिल्कुल सही बात है भाई। ये वाला B अलग है, बिल्कुल सही बात है। मेरे को कंफ्यूजन इन दोनों को लेकर के कि भाई ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो पहली बार मैं क्या करूंगा कि भाई इस वाले को ना जो ये अपना C वाला जो हाइड्रोजन है इसको मैं हटाकर लगा दूंगा इसमें Z। तो इसमें क्या हुआ H लगा दिया और यहाँ पर है अगर लगा दिया मैंने Z तो ये यहाँ पर एक आइसोमर बनेगा। दूसरा अगर मैंने यहाँ पर लगा दिया है Z लगा दिया है तो क्या हो जाएगा CH3CH और C, ये H, ये वाला और Z। अब बताओ मेरे को कि ये जो फर्स्ट और जो सेकंड है ये दोनों सेम हैं क्या? ये दोनों सेम नहीं है। अगर सेम प्रोडक्ट मिलता ठीक है तब तो इक्वल होते, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर विच इज टाइप ऑफ डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भाई फॉर एवरी रीजन वो सबके सब अलग अलग होते हैं प्रोडक्ट। इसी कारण जो अपना ये वाला हाइड्रोजन है और ये वाला हाइड्रोजन है ये दोनों अलग अलग हैं। तो आप इसको नोट कर लो और यहीं पर नीचे लिख देना देयरफॉर एच C and H D are chemically non-equivalent H. This implies gives signal separately. ये हो गया। लेकिन लगे हाथ इस वाला एग्जांपल भी नोट कर लेना कि लेकिन अगर मान लो ना दोनों तरफ अगर CH3 होता फिर क्या होता, फिर ये दोनों इक्वल हो गया होता। बिकॉज अगर आप पहले ये वाला हाइड्रोजन को हटाओ तो यहाँ पर आपने लगा दिया Z लगा दिया, लेकिन जब आपने ये वाला हाइड्रोजन को हटाया इसको हटाया फिर आपने यहाँ पे Z लगा दिया, बट ये दोनों है तो दोनों को दोनों सेम कंपाउंड ही ना। तो ओनली One product means कैसे हाइड्रोजन होमोटॉपिक हाइड्रोजन।
देखो कीवर्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो केमिस्ट्री में भी चलता है, मतलब जीएस में चलता ही चलता है। कीवर्ड का कॉन्सेप्ट शायद आप लोग जानते होंगे कि जीएस का कोई भी क्वेश्चन है ना, तो अगर आप कीवर्ड्स लिखते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। कीवर्ड्स मतलब कहने का मतलब ये हो गया ना कि फॉर एग्जाम्पल अगर फूड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, जीएस थ्री वाला जो टॉपिक है, तो उसमें कुछ कीवर्ड जैसे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट या फिर वैल्यू चेन, ग्लोबल चेन, या फिर आप क्या कहते हैं कि फार्म टू फॉक इंटीग्रेशन, ये सारे मतलब बेसिकली कीवर्ड्स हो गए। तो सिमिलरली यहाँ पर भी कीवर्ड्स हैं कि अगर आपको क्वेश्चन कुछ और आया, मतलब कुछ भी उन्होंने पूछा है कि भाई कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं, तो आप यहाँ पर बोल दो कि एक सिग्नल्स हैं, और साथ ही साथ आप अगर ये भी लिख दोगे ना बिकॉज दे आर केमिकली इक्विवेलेंट और ब्रैकेट में लग गया था बिकॉज दे आर होमोटॉपिक प्रोटॉन्स, तो फिर हाफ नंबर एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे फिर उसमें। तो जो सारा फंडा जो आप जीएस में आप सुनते हो जहां से भी वीडियोस वगैरह से, वो कहीं ना कहीं आपको केमिस्ट्री में भी लगाने ही पड़ेंगे, बिकॉज एग्जाम तो वही है ना यूपीएससी वाली, भले ही अब ऑप्शनल है साइंस है वो अलग बात है, बट है तो एग्जाम यूपीएससी का ही। आगे चले, ये हो गया अपना हमने टर्म देख लिया होमोटॉपिक प्रोटॉन। अब जस्ट एक स्मॉल सब हेडिंग लिखना, मतलब कि ये बिकॉज ये डेफिनेशन ना हमें मालूम होना चाहिए, इनैंशियोट्रॉपिक प्रोटॉन, इनैंशियोट्रॉपिक प्रोटॉन। अब इनैंशियोट्रॉपिक प्रोटॉन में पहले इसको लिख लो, उसके बाद एग्जांपल लिख लेना आप कि व्हेन रिप्लेसमेंट ऑफ each proton is done and resultant products are non-superimposable mirror images of each other then the set of proton are called enantiotropic proton. और example आप ये देखो, इसमें इन्होंने क्या किया है कि for example ये आपका compound है, यहाँ पर Me और यहाँ पर H, आपको find out करना है ना कि भाई यहाँ पर ये दोनों एच है ना वो अलग अलग है कि सेम है। जैसे बाकी सारे एच तो मेरे को बिल्कुल क्लियर है कि भाई ये दोनों ना सी सी है, ये दोनों डी डी है, और ये अपना ई है, और ये अपना तीनों भाई सेम है, मेरे को क्लियर है। बट ये दोनों सेम है कि नहीं है, तो इसके लिए हम करेंगे फिर से कौन सा टेस्ट करेंगे, रिप्लेसमेंट टेस्ट करने वाले हैं। तो मैं पहले पी एच में एच एच को लगाया, जेड लगाया, और दूसरा जो बनाया pH, Z, और ये अपना H और ये अपना Me, ये देखो बीच में यहाँ पर लगा दो आई ना, बढ़िया दोनों मिरर इमेज बन गया है। मिरर इमेज का मतलब ही होता है क्या होता है, इनैंशियोमर्स, इनैंशियोमर्स हो गए। इसी कारण दीज टू हाइड्रोजन आर कॉल्ड इनैंशियोट्रॉपिक प्रोटॉन्स। इनैंशियोट्रॉपिक कहते हैं, ट्रॉपिक नहीं, आर काट देना बीच में से, इनैंशियोट्रॉपिक प्रोटॉन। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि ये दोनों ना इक्विवेलेंट होते हैं एंड गिव ओनली वन सिग्नल, बिकॉज आप स्टार्ट से याद करो कि भाई सिग्नल्स अलग अलग होते क्यों हैं। सिग्नल्स अलग अलग इस कारण होते हैं क्योंकि उनका जो इन्वायरमेंट है वो पूरा अलग अलग होता है,
बट ये देखो यहाँ पर दोनों का इन्वायरमेंट ना बिल्कुल सेम सेम सा है और दोनों जस्ट मिरर इमेजेस तो इच अदर का ही है, दोनों थोड़े ना अलग है, दोनों पर दोनों डायस्टीरियोमर्स नहीं है, ठीक है। इसी कारण इनका केवल एक सिग्नल आएगा हमेशा। तो आप ये वाला एग्जाम्पल लिखने के बाद, ये पर लिखने के बाद, ये को लिख देना आप। अच्छा ये तो लिखवा ही लिया मैंने कि दिस टाइप ऑफ पेयर प्रोटॉन्स को, मतलब इस सेट वाले में कहाँ गया सेट ऑफ प्रोटॉन के, लिख लेना आप दे बिहेव एज केमिकली इक्विवेलेंट एंड गिव ओनली वन सिग्नल। चले अगले स्लाइड पे। यस सर। अब ऊपर में हेडिंग लिखो डायस्टीरियोट्रॉपिक प्रोटॉन। ये सारे डेफिनेशंस ना यूपीएससी में नहीं आएंगे बट मतलब मालूम होने चाहिए, और सेकेंडली कि स्टेट पीसीएस में तो आते ही आते हैं, सारे डेफिनेशंस पूछ देंगे आपसे। तो यहां पे लिखना डायस्टीरियो टॉपिक प्रोटॉन, एक बार वो देख लेना। हाँ टॉपिक ही है, ट्रॉपिक नहीं है, टॉपिक है, डायस्टीरियो टॉपिक प्रोटॉन। अब इसमें आप यही एग्जांपल लो, यहाँ पर अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा तो आप ऐसे देखो इसको, ये सी एच थ्री सी एच सी एल सी एच टू सी एच थ्री। अब अगर मैं ऊपर ऊपर देखूंगा तो भाई कहूंगा कितने सिग्नल्स होने चाहिए, ए बी सी और डी, चार सिग्नल्स होने चाहिए। लेकिन अब मेरे को चार सिग्नल्स नहीं आएंगे, सब पांच आएंगे। तो इसके लिए आप देखो, सबसे पहले आपको ये भी पकड़ना है कि भाई टेस्ट करना किसका है, ये नहीं कि जिसका क्लियर है उसका टेस्ट करने बैठ करके। तो ये मालूम है कि बिल्कुल ये सबके सब सेम है, ये भी मालूम मेरे को सबका सब सेम है। यहाँ पर तो भाई एक है ही, तो टेस्ट करना क्या है। यहाँ पर दो है जिनको हमें टेस्ट करना है कि भाई ये दोनों अलग अलग है कि नहीं है। तो यहाँ पर करेंगे क्या कि पहले का जो एक एच है ना, जैसे इसको अगर मैं ऐसे करके बना दिया इसको, तो ये अपना हो गया एम ई, ये हो गया अपना एम ई, ये हो गया एच, ये सी एल, ये एच और एच। अब इसमें मैं इस वाले एच को अगर हटाया, साथ में लोग लिखते हुए जाना क्योंकि इसमें कुछ खास समझने के लिए है नहीं, एम ई एच सी एल एच और Z, एक तो बेसिकली हो गया क्या कि यहाँ पर ना पहली बार में इसको लगाया हमने, ये हो गया, और फिर सेकेंड टाइम में दूसरे वाले को हाइड्रोजन को टाइम में हमने हटा दिया। तो ये हो गया अपना एमी और ये सॉरी एच, ये सी एल, यहाँ पर जेड और यहाँ पर ये एच। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों डायस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर है ना, बिकॉज देखो यहाँ पर आप मिरर इमेज मिरर लगाओगे दोनों मिरर इमेज नहीं है, है ना, इसी कारण ये अपना हो गया। और हमें डायस्टीरियोमर्स डेफिनेशन तो मालूम है कि डायस्टीरियोमर्स आर दोज कंपाउंड दैट आर हैविंग नॉन सुपर सुपरइंपोजेबल एज वेल एज नॉन मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। इसी कारण जो ये दोनों हाइड्रोजन्स है ना, इनको हम कहते हैं बिकॉज इनका रिलेशन किस चीज का है, डायस्टीरियोमर्स का। इसी कारण जो ये दोनों हाइड्रोजन्स हो जाएंगे, इनको हम क्या देते कह देंगे डायस्टीरियोट्रॉपिक प्रोटॉन। तो आप यहां पर पहले लिख लो इस लाइन को कि व्हेन
कि व्हेन हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड बाय या फिर प्रोटॉन्स कुछ भी कर दो व्हेन व्हेन एच आर रिप्लेस्ड बाय जेड टू गिव प्रोडक्ट that are diastereomers of each other then those pair of protons are called diastereotopic protons. And they are chemically non-equivalent. And so they are chemically non-equivalent, so they give different signals. ये भी अच्छा एग्जांपल है, ये कलसी वाले में था, इसको भी नोट कर लो आप लोग. अच्छा ये सब जो टर्म्स है ना, ये डायस्टीरियोमर्स, इनेंशियोमर्स, ये जो यहाँ पर दिख रहा है आपका स्टीरियो सेंटर, ये सारा बिल्कुल बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टर्म्स है, तो ये आप लोग को होपफुली आता होगा पहले से. करना होगा मेरे ख्याल से पोजीशन ऑफ सिग्नल्स. सबका नोट हो गया यहां तक ये वाला? आगे चले. बताओ कोई आगे चले आप? जी सर. यस सर. ठीक है, अब अगला है. एक क्वेश्चन और था मेरे ख्याल से, एक क्वेश्चन वो कहाँ चला गया? ये वाला है, सीएल वाला. एक क्वेश्चन और ऐड करो यहाँ पे. ये इसमें ना कितना सिग्नल मिलना चाहिए था? मिलना चाहिए था 2, बट यहाँ पर 2 नहीं मिलने वाला है. बिकॉज क्यों? आप ये देखो, आप थोड़ा सा इसको अगर अच्छे से सारे हाइड्रोजन को अगर आप शो करते हुए बनाओगे तो क्या होगा, ये अपना Cl है, ये अपना H है जिसको मैंने बोल दिया HA. तो ये तो अलग है भाई, मेरे को ये क्लियर दिख रहा है. दूसरे वाले जो है हाइड्रोजन, ये H है, ये H है, ये वाला H, ये वाला H. तो अब मेरे को कंपेयर करना है कि भाई ये दोनों ना, ये B है तो भाई ये वाला भी B ही है क्या, ये मेरे को मालूम करना है. तो अब देखो, अगर मेरे को फिर से मैं रिप्लेसमेंट टेस्ट करूंगा यहाँ पे, तो रिप्लेसमेंट टेस्ट अगर हमने करा है तो ये देखो आप, Cl है, H है,
अगर मैंने इसको ऊपर में जेड करा है तो नीचे में यहाँ पर एच हो जाएगा, और इसके जस्ट ऑपोजिट यहाँ पर हमने जेड करा है और यहाँ पर हमने एच पहले से छोड़ दिया, तो ये सी एल, ये एच, तो ये देखो यहाँ पर क्या है, दोनों क्या है, जस्ट डायस्टेरियोमर्स, यहाँ पर जेड और सी एल जस्ट ऊपर ऊपर है, यहाँ पर दोनों ऊपर नीचे है, मतलब ये दोनों क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, देयरफॉर ये दोनों प्रोटॉन अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों सिमिलर हैं, है ना, बिकॉज जो आप काम कर रहे हो ये वाले पे यहाँ पर काम कर रहे हो, सिमिलरली आप यहाँ पर अब सेम रिप्लेसमेंट कर दोगे, इसी कारण ये एच ए हो जाएगा, ये अपना बी हो जाएगा और ये दोनों अपना एच सी हो जाएगा, तो आप फाइनली फिर आप ऐसे बनाकर इसको लिख लोगे Cl, HA, HB, HB, HC, HC. और इसी के लिए लाइन यहां पर ये लास्ट में लिखा अच्छा लाइन है ये वाला कि व्हाट इज केमिकल इक्विवेलेंस, तो केमिकल इक्विवेलेंस इंक्लूड नॉट ओनली स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंस बट ऑल्सो स्टीरियो केमिकल इक्विवेलेंस, आप इसको नोट बना करके ऐसे अच्छे से लिख लो इस चीज को, केमिकल इक्विवेलेंस इंक्लूड्स स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंस एज वेल एज स्टीरियो केमिकल इक्विवेलेंस, ये हो गया अपना। अब इसके बाद ये वाला एक क्वेश्चन कभी आया हुआ है शायद प्रीवियस ईयर में, कि जो पूछा है ना कि कितने सिग्नल्स होंगे एनएमआर के साइक्लोहेक्सेन में, ठीक है। अब यहाँ पर केबल अगर हम ऐसे देखें ना तो भाई लग रहा है कि हमारे सारे के सारे हाइड्रोजन इक्वल है, कि भाई देखो सारे सारे हाइड्रोजन इक्वल है, लेकिन हमें मालूम है कि जो साइक्लोहेक्सेन है वो नॉर्मल ऐसे नहीं होता है कि सिंपल प्लेनर फॉर्म में, वो चेयर फॉर्म में हमेशा, मतलब मोस्ट लाइकली मोस्ट स्टेबल उसका चेयर फॉर्म होता है, और चेयर फॉर्म में भाई दो टाइप के हाइड्रोजन होते हैं, एक हमारा होता है इक्वेटोरियल हाइड्रोजन और एक होता है हमारा एक्सियल हाइड्रोजन। तो अब पॉइंट ये है ना कि जब हमारा टेम्परेचर अच्छा खासा होता है, जब टेम्परेचर हमारा अच्छा खासा होगा तो जो फ्लिपिंग होगी ना वो बहुत ही रैपिड होगी, रैपिड इनफैक्ट इतनी रैपिड होंगी कि भाई आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कि भाई कौन सा हाइड्रोजन है जो एक्सियल है और कौन सा हाइड्रोजन है जो इक्वेटोरियल है, और इसी कारण जब अच्छा खासा टेम्परेचर होगा, मतलब कि एट रूम टेम्परेचर इट विल बी गिविंग ओनली वन सिग्नल, लेकिन जब टेम्परेचर आप ना बहुत ही कम कर दो, फॉर एग्जांपल -100 डिग्री सेल्सियस वगैरह टाइप्स में, तो मॉलिक्यूल का क्या होगा ना, बिल्कुल फ्रीज कर जाएगा मॉलिक्यूल, मतलब जो जैसे मॉलिक्यूल था बिल्कुल मॉलिक्यूल वैसे ही रहेगा, अब जो मॉलिक्यूल जैसे था वैसे ही रहेगा, बिल्कुल उसमें हिलना विलना बंद हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, एक जो हाइड्रोजन जो अपने इक्वेटोरियल में है वो बिल्कुल वैसे के वैसे रहेगा, जो एक्सियल रहेगा वो एक्सियल की तरह रहेगा, और इस केस में जब हम एनएमआर लेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर एनएमआर दोनों का अलग अलग आएगा, कि दोनों का एनवायरमेंट अलग अलग है, इसी कारण इस केस में हमें दो सिग्नल्स मिलने वाले हैं एट लोअर टेम्परेचर, और इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द एविडेंस टू शो कि भाई साइक्लोहेक्सेन स्टेज इन चेयर फॉर्म इन विच देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, और ये एक एविडेंस था कि जिससे हम साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म वगैरह वगैरह हमने फाइंड आउट किया था। तो आप बस इसी को आप लिख लो कि क्वेश्चन अपना ये है एनएमआर सिग्नल का, और इसके बाद ये बना कर लिख देना कि भाई ये अपना दो एक्सियल और इक्वेटोरियल है, बट इट गिव्स ओनली वन सिग्नल एट रूम टेम्परेचर बिकॉज फ्लिपिंग टेक्स प्लेस एट रैपिड पेस, ठीक है।
और एक जनरल नॉलेज के लिए इस चीज को भी लिख लेना कि भाई रेट ऑफ फ्लिपिंग ना ये बेसिकली 10 टू द पावर मतलब 10 टाइम्स पर सेकंड वगैरह होता है ऐसे रेट ऑफ फ्लिपिंग इस वाले केस में, जबकि जो एनएमआर का टाइम स्केल है ना वो बहुत छोटा होता है, मतलब कि 10 टू द पावर माइनस 6 सेकंड पर देखते हैं हम। और इनफैक्ट आपको मैं अभी थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ कि ये अपनी फ्रीक्वेंसी हो गई एनएमआर की 10 टू द पावर माइनस 6 सेकंड। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी बात करूंगा एनएमआर मशीन की तो फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ मतलब 1 बाय रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो जब आप इसकी जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज, है ना। और इसी कारण जब आप जो एनएमआर की जो मशीन्स वगैरह होती हैं उसमें मेगा हर्ट्ज करके फ्रीक्वेंसी लिखा रहता है हमेशा, बिकॉज मेगा मींस 10 टू द पावर 6। तो यहां पर रेट ऑफ जो फ्लिपिंग है ना दैट इज वेरी मच हायर विद रिस्पेक्ट टू द एनएमआर टाइम स्केल, इसी कारण हम नोटिस इसी कारण यहां पर लिख लेना यहां पर अच्छा लिखा तो है यहां पर so we observe an average position of hydrogen and not axial or equatorial so it gives only one NMR signal जो कि अपना ये वाला हो गया, but at low temperature ये वाली पूरी कहानी it gives two signals of equal intensity और इसी कारण हम differentiate कर पाए। और इनफैक्ट यहां पर भी आप एक लाइन लिखना जैसे स्टेट पीसीएस में ना ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देंगे कि राइट डाउन द प्रैक्टिकल यूटिलिटी या फिर फिजिकल यूटिलिटी ऑफ द एनएमआर स्पेक्ट्रा, तो फिर आप उस केस में ना मतलब ये सारी कहानी लिखने के बाद आप ऐसे लिखोगे कि दस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रोवाइडेड द एविडेंस फॉर द चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पर लास्ट लाइन में लिख लेना एक चीज को, पहले इस चीज को लिखो फिर मैं लिखवाता हूँ। Sir, I have a doubt. Sir, in NMR, we use the cryogenic conditions to take the spectra. So the temperature will be very less. So in normal NMR, maybe two signals nahi milne chahiye fir. NMR cryogenic condition karte hain kya? Yes, sir. Ye to nahi maloom mere bhai ki cryogenic condition karte hain. बट क्रायोजेनिक कंडीशन में क्यों करेंगे, क्योंकि टेट्रामिथाइल सिलेन है ना टीएमएस कंपाउंड जो कि रेफरेंस कंपाउंड की तरह यूज करते हैं, तो बेसिकली सॉल्यूशन बनाते हैं है ना, और उस सॉल्यूशन में ही टेट्रामिथाइल सिलेन में डाला होता है जो कि रेफरेंस कंपाउंड की तरह एक्ट करता है, और उसी में जो सैंपल सॉल्यूशन जिसके हमें चाहिए एनएमआर स्पेक्ट्रा उसको हम ऐड करते हैं। तो अगर आप बिल्कुल क्रायोजेनिक कंडीशन कर दोगे तो फिर तो आपको स्पेक्ट्रा ही नहीं मिलेगा, बाकी देखना पड़ेगा कि क्रायोजेनिक कंडीशन है कि नहीं, ये तो मैं श्योर नहीं हूँ इसको लेकर भी। सर एक्चुअली वी हैव वर्कड इन अ लैब इन एमएससी सो हम एनएमआर करवाते थे तो वो लिक्विड नाइट्रोजन की प्रेजेंस में करते हैं। अच्छा तो अच्छा ये मतलब लिक्विड नाइट्रोजन में करते हैं इसको, मतलब बिल्कुल अल्ट्रा कूल करके? नो सर, एक्चुअली लिक्विड हाइड्रोजन में यूज करते हैं। अच्छा सर, दैट इज नॉट फॉर द सैंपल, एक्चुअली जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है ना मशीन के अंदर, तो एक्चुअली फूरियर ट्रांसफॉर्म करके इसको एनालाइज करते हैं एंड उसमें ना इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं एंड उसको टेम्परेचर कम जरूरत होता है, अदरवाइज वो वर्क नहीं कर पाता। मशीन बिकॉज देयर आर
ऑयर्स हुज लाइक वेरी सोफिस्टिकेटेड ऑयर्स हु लाइक कंडक्ट वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स सो दैट्स व्हाई टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द ऑयर्स एंड टू कीप देम as it is working, so we need actually liquid hydrogen. So that is not for the sample, but for the machine. और liquid hydrogen को संभालने के लिए liquid hydrogen का atmosphere create करते हैं, otherwise वो उड़ जाएगा. Yes, sir. Now I got it. In case of single crystal XRD, why do we use the liquid nitrogen? And that is for the sample preservation. Otherwise, the crystal will dissolve in the atmosphere for the single crystal generally. Mm-hmm. But for NMR, the liquid hydrogen is for the purpose of machine, not the purpose of the sample. Because as I said, the oils, there's a very sophisticated oils because the very minute signals of electrical currents that comes from the molecule due to of nuclear transitions and further we transform that with the help of Fourier transform that electrical signals to the NMR signals. So that's why to protect that electrical wires, otherwise they will melt with the temperature and they will dysfunction with the rise of temperature. That's why. Yeah, so I have not read that much in detail. तो अब मैंने तो केवल यूपीएससी में केवल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है बस उतना केवल मैंने पढ़ाया है वो बुक से. लेकिन हाँ मतलब ये मेरे को दिखा था कि कलसी में ना देयर वाज सम टॉपिक सम कंपोनेंट ऑफ दैट चैप्टर ऑफ टॉकिंग अबाउट फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड ऑल बट आई लेफ्ट दैट पार्ट बिकॉज वो पार्ट काम का है नहीं मतलब यूपीएससी वाला का. बट अगेन मतलब कि मैं ये काम करूंगा कि मैं थोड़ा उस पार्ट को जाऊंगा क्योंकि शायद समझने के लिए अच्छा है. मतलब अगर मेरे को वो आता है कि हाउ फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड ऑल इज वर्किंग इन एनएमआर एक्सेट्रा या फिर एग्जैक्ट मशीन का जो अपैरेटस है ना वो कैसे सेटअप है तो शायद मैं थोड़ा सा और भी अच्छे से समझा पाऊंगा चीजों को. तो मैं काम करूंगा कि कल के क्लास के लिए ना कि वो जो वो पार्ट है जो मैंने छोड़ दिया क्योंकि क्वेश्चन नहीं आने उससे ये तो पक्की बात है. लेकिन थोड़ा सा हाँ इनहेंस अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एग्जैक्ट अपैरेटस है कैसे तो उसको एक बार मैं एक बार देख लूंगा और जो रिलेवेंट लगा मेरे को ना कि हाँ भाई उस चीज को रिलेट करके मतलब जो वो वाला कंपोनेंट है उसको रिलेट करके रिलेटिंग इट विद दोज पार्ट्स दैट आर कमिंग इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन या फिर आईएफएस तो उनको मैं फिर बता दूंगा कि हाँ भाई देखो यहाँ पर ये वाले अंडरस्टैंडिंग से अच्छे से हम समझ सकते हैं तो क्लैरिटी मिल जाएगी. ठीक है जैसे शायद मेरे को लगा कि वहां पर मैंने देखा कि टेट्रा मिथाइल सीरम के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था कि वाई टीएमएस इज यूज्ड एज द रेफरेंस कंपाउंड एंड ऑल तो उसके जस्ट मैंने पहले देखा था कि हाँ भाई फूरियर ट्रांसफॉर्म वगैरह कुछ कुछ बात कर रखा है लेकिन वो मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो आना तो है नहीं. लेकिन हाँ वाई टी एम एस यूज डिफरेंस कंपाउंड ये आता है तो ये वाला पार्ट मैंने करा तो बट स्टिल लेकिन हाँ मतलब कल ये मैं करके आपको एक बार बताऊंगा क्या थोड़ा सा एग्जैक्ट डिटेल्स क्या चीज है. ठीक है तो ये वाला तो हो गया सबका एनएमआर सिग्नल साइक्लोहेक्सेन वाले का. तो देखो पॉइंट यही है मतलब ठीक है डिटेल्ड आता है अच्छी बात है बट एग्जाम में हमें करना वही है जो हमने मतलब पढ़ कर गए हैं. देखो सिविल्स का ना यूपीएससी के एग्जाम के बारे में एक मतलब थोड़ा सा फंडा मतलब ये लगेगा बहुत ही जेनेरिक सी बात बोल रहा हूँ मैं लेकिन ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है मतलब जो मैंने सीखा है 3-4 साल में कि आप ना आपको पढ़ना होता है 100 ग्राम लेकिन आपको लिख कर आना तो होता है 200 ग्राम. ठीक है तो ये कभी नहीं हो पाएगा आप कि आप 250 ग्राम पढ़ लो मतलब 250 ग्राम पढ़ने का मतलब ये हुआ ना कि आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है और जो कि पॉसिबिलिटी ही नहीं है. तो बस केवल 100 ग्राम पढ़ना होता है लेकिन लिख के आना होता है 200 ग्राम और कैसे वो चीजों को बिल्कुल फैला करके तो सारी कहानी लिख करके जैसे जीएस से मैं काफी एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ. फिर यहाँ पर से जैसे वैगिंग वगैरह हमने नहीं पढ़ा कि भाई वैगिंग वगैरह क्यों होता है तो लेकिन हाँ मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा तो मतलब सॉल्व कर ही सकते हैं अगर जो थोड़ा बहुत आउट ऑफ सिलेबस टाइप जो क्वेश्चन आया बाहर से आया ऐसे तो ठीक है कल थोड़ा सा और देख लेंगे उसमें. इसके बाद ये क्वेश्चन हाँ ये भी क्वेश्चन एक आया हुआ है तो इस क्वेश्चन में क्या है ना कि ये NN NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड है ये
एनएन डाइमिथाइल फॉर्मामाइड है। तो इसमें बेसिकली क्वेश्चन ये है कि जब ये रूम टेम्परेचर पर होता है ना, तो ये बेसिकली दो सिग्नल्स देता है ये दोनों हाइड्रोजन के कारण। मतलब बेसिकली ये तो सिग्नल्स अलग से आएंगी आएंगी, ऑब्वियस सी बात है, बट अरे नहीं यार कहाँ गया, हाँ देखो ये बेसिकली यहाँ पर ये हुआ कि आज जब रूम टेम्परेचर है ना, तो भाई एक सिग्नल तो आएगा अपना ये बी के कारण आएगा, और बाकी सिग्नल्स यहाँ पर ए के कारण आने वाला है, बिकॉज यहाँ पर ये दोनों हैं क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही तो हैं ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन इसमें फंडा ये होता है कि जब अपना रूम टेम्परेचर पर होता है ना, तो अपनी जो इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है ना वो उतना नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि बेसिकली ये जहां रहेगा वो वहीं बैठा रहेगा, या फिर कह लो कि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन यहाँ से धीरे धीरे बिल्कुल ऐसे 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 जा रहा है, फिर धीरे 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 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है ऐसे करके। तो जब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, मतलब कि क्या हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट सिंगल बॉन्ड टाइप यहाँ पर ये बिहेव करेगा। अब जब ये सिंगल बॉन्ड टाइप बिहेव करेगा, मतलब कि दोनों दोनों जो हाइड्रोजन हैं ये दोनों CH3 है, दोनों इक्वल है, दोनों सेम है। लेकिन जब इसको हम कर देते हैं हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर पर क्या होता है कि जो अपने जो रेजोनेंस है ना वो काफी हाई चली जाती है, और उस रेजोनेंस में एट हाई टेम्परेचर जो RS2 है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन ना इंक्रीज कर जाती है, कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्रीजेस। अब अगर इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्रीज कर जाएगी, मतलब क्या हो गया, अगेन फिर ये सीएस और ट्रांस वाली बात हो गई ना, कि यहाँ पर ये CH3 है और यहाँ पर ये CH3 है, यहाँ पर ये H और यहाँ पर ये O माइनस। अब देखो इसके अगेंस्ट में भाई ये दूसरा CH3 है, इसके अगेंस्ट में दूसरा CH3 है, मतलब कि इस केस में फिर अपना ये A और B ये दोनों अलग अलग देगा, और ये तो अपना C अलग देगा ही, मतलब इसी कारण एट हाई टेम्परेचर दोनों में एक सिग्नल मर्ज कर जाएंगे। क्या बोल रहा है ये, मोबिलिटी टू ट्रांस बिकम वेरी फास्ट नेट सिग्नल बॉन्ड में ग्रेटर विल बी एबल टू गेट ओनली वन सिग्नल फॉर बोथ मिथाइल। ये वन सिग्नल बोथ मिथाइल क्यों आएगा, अलग अलग आना चाहिए ना। ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है मेरे को नोट्स में सर, ये वाला जो है काम करते हैं इसको रहने देते हैं इस चीज को, क्योंकि ये डाउटफुल लग रहा है मेरे को। यहाँ पर टू सिग्नल्स आने चाहिए थे यार, इस कारण अलग अलग से सिस्टम, मतलब टू मतलब बेसिकली थ्री, मतलब एक ये एक ये एक ये। सर ऊपर तो थ्री लिखा है, कहाँ पे सर, वो जो सेकंड के नीचे तो थ्री लिखा है। अच्छा थ्री लिखा है ना, तो फिर ये नीचे में ये फिर क्यों लिखा है, ये गलत हो गया, मुझे लगता है यहाँ पे तीन सिग्नल होने चाहिए। हाँ, ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। तो इसको आप यहाँ पर इसको काट दो और केवल आप ये लिख लो कि भाई एट हाई टेम्परेचर ना यहाँ पर तीन सिग्नल चली जाती है। आप इसको लिख लो, एक काम करो इसको आप छोड़ो, आप इसको लिख लो सर, मुझे तो लग रहा है डायग्राम उल्टा बन गया टेम्परेचर का, अगर टेम्परेचर वैसे करें तो शायद थोड़ा सा सेंस बन जाए। हाँ कह सकते हो, हाँ वो बना सकते हो शायद, मतलब स्टूडेंट ने गलत बना दिया होगा, उल्टा पुल्टा बना दिया होगा, और बाकी शायद कोई बुक से ही होगा मेरे ख्याल से, तो वो बुक एक बार मैं देख लेता हूँ। आज काफी सारे डाउट्स हो गए यार, आज कल पढ़ाई करनी पड़ेगी मेरे को भी अच्छा खासा। ठीक है, तो ये वाला हो गया ना सबका, यस सर। तो अब इसके बाद ना केवल एक फॉर्मूला देख लेते हैं और क्लास खत्म करते हैं आज का, और क्योंकि आज काफी सारे डाउट्स हो गए मेरे को, भी बहुत पढ़ना पड़ेगा तो कल।
ये वाला फॉर्मूला पहले ये समझने से पहले आप एक बार पढ़ समझ लो इस फॉर्मूले को, क्या मीनिंग क्या है इसका। कि होता क्या है ना कि कुछ ऐसा होता है ये बेसिकली कि जैसे जैसे हम ये अगर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करते जाएंगे ना तो क्या होगा कि जो डेल्टा ई का जो वैल्यू है ना वो धीरे धीरे इंक्रीज करते चला जाएगा, और जो कि लॉजिकल भी है। मतलब लॉजिकल तो है ही ना कि अगर जैसे मान लो कि भाई हमने कम मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, फॉर एग्जांपल अगर हम लगा रखा है केवल 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, तो ये जो सेपरेशन होगा दोनों के बीच में भाई कम कम दूरी का वो सेपरेट करेगा, बिकॉज आखिर में सेपरेशन हो ही रहा है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, यहाँ पर 1 टेस्ला के कारण हो रहा है। लेकिन जब हमने इसको बढ़ाकर कर दिया फॉर एग्जाम्पल 1.4 टेस्ला, तो फिर क्या हो जाएगा जो ये जो एनर्जी गैप है ना ये इंक्रीज कर जानी है। तो इसी कारण इसका जो डायग्राम है कुछ ऐसे बनता है कि ये हो गया स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जैसे जैसे ये बढ़ रहे हैं तो ये जो डेल्टा ई है ना ये भी अपना इंक्रीज करते चला जाएगा। अब इसी के लिए एक रिलेशन होता है कि भाई जब आपका स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने के कारण डेल्टा ई इंक्रीज कर रहा है तो एग्जैक्ट रिलेशन है क्या उनमें, तो रिलेशन इनका ये होता है। और हाँ एक चीज और, जैसे जैसे इसका एनर्जी इंक्रीज होता जाएगा ना वैसे वैसे रेजोल्यूशन भी अच्छा होता जाता है। मतलब कि क्योंकि हमें इजिली दिख रहा है भाई कि हाँ ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ हो रहा है, इसी कारण हम अच्छा खासा मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं ताकि इजिली ट्रांजिशन हो, मतलब अच्छे से ट्रांजिशन हो और अच्छे से हमें दिखे कि हाँ भाई देखो यहाँ पर एक सिग्नल ये है, सेकेंड सिग्नल ये है, और अच्छा हमें रेजोल्यूशन मिलता है। ठीक है, और तो अब इनका जो रिलेशन होता है ना कि डेल्टा ई और जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो बेसिकली यही होता है कि डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, ये तो भाई मालूम है हमें, और वो होता है बेसिकली एच इंटू गामा बाई 2π H0, और जिसमें कि एच वगैरह सारा तो मालूम है हमें, और एच नॉट क्या है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और ड्यू हो गया आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर जो मशीन हम यूज कर रहे हैं, और जो ये गामा होता है ना दैट इज बेसिकली गायरो मैग्नेटिक रेशियो। और गायरो मैग्नेटिक रेशियो क्या होता है ये आप एक काम करो, आप ये हेडिंग डालने के बाद आप ये डायग्राम बनाओ, एक हेडिंग डालो, एक काम करो हेडिंग डालो कि रिलेशन बिटवीन डेल्टा ई एंड अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन डेल्टा ई एंड अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और उसके पहले एक कहानी लिख लो, इसको पहले इसमें लिखो कि एज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, एज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस then energy difference between alpha and beta, then energy difference between alpha and beta spin states also increase. Alpha and beta spin states, ये लिखा हुआ है, spin states also increase and this leads to a spectra with higher resolution, and this leads to a spectra with higher resolution. और ये डायग्राम बना लो आप, ये वाला, ये जो मैंने बनाया ना कि ऐसे इंक्रीज कर रहा है,
इसमें ये वाला एक्सिस पर अपना स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और ये देखो ऐसे करके डेल्टा ई वन है इसका, यहाँ पर डेल्टा ई टू है। और ये डायग्राम बनाने के बाद ये रेडिएशन लिख लो आप, और जिसमें कि ये सारा टर्म्स हो गया, जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो है इस पर आपको लिखना पड़ेगा एक लाइन, ताकि एग्जैक्ट इसका मीनिंग क्या है ये समझ में आए आपको। तो आप एक बार यहां तक लिखो हो गए सर। तो इसके बाद लिखना आप जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो है, लिखना कि इट इज द मेजरमेंट ऑफ, इट इज मेजरमेंट ऑफ, इट इज मेजरमेंट ऑफ ऑफ एट व्हाट फ्रीक्वेंसी nuclei spins nuclei comes into resonance. It is measurement of at what frequency nuclei comes into resonance with applied external magnetic field, मतलब with H naught. और फिर लिखना higher the gamma better is the resolution of a spectra. अब इसके बेसिस पर ना कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि कल करेंगे, और क्वेश्चन तो मतलब इसके बाद केमिकल शिफ्ट पर ही आना है अब तो, और उस पर थोड़े बहुत क्वेश्चंस होंगे, फिर उसके बाद फिर कौन कौन सा फैक्टर से डिसाइड करता है केमिकल शिफ्ट को, उसके बाद फिर चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा, फिर कपलिंग कांस्टेंट वगैरह करके, ठीक है। तो कल तो पहली बात तो ये कि यार थोड़े क्वेश्चंस आप लोग कर लेना वो आईआर वाला, ताकि इनके सब डाउट वाउट हो ना तो उसका फिर डिस्कस कर सके, और मैं भी उसको सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। कि पीपीटी शेयर कर देंगे क्या प्लीज, लेक्चर बाद में कुछ।